तो गुरु लोग, आप सबका स्वागत है मैन ऑफ कल्चर के एक और एपिसोड में। और आज हमारे साथ क्या सारे टॉपिक्स हैं ये होस्ट हमारे है पास? होस्ट ये है। होस्ट है। भाई हाउस ऑफ द ड्रैगन टॉपिक है। हाउस ऑफ द ड्रैगन भाई साहब ने देखा नहीं है? यस ठीक है। अरे लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा? रिंग्स ऑफ पावर देखा? तो लेटेस्ट पे ही तो बात करेंगे। वही देखा था मुंबई। रिंग्स ऑफ पावर भी नहीं देखा है भाई? ये होस्ट है हमारे, तालियां हो जाए। नहीं देखो रिंग्स ऑफ, सुनो रिंग्स ऑफ पावर के लिए मेरे पास तर्क है। रिंग्स ऑफ पावर ना वो एक ऐसी सीरीज है जिसे मैं एक साथ बैठ के देखना पसंद करता। ये भी सही है भाई। हाँ ये मैं ये तो मैं भी एग्री करूंगा। रिंग्स ऑफ पावर गुप्त रास्ता बना के निकाल, लेकिन थर्ड एपिसोड के एंड में भाई मैंने देखा मैं भी बिंज वॉच करूंगा। नहीं मैं वही सोचा था दो एपिसोड आ जाए एक बार के लिए, धीरे धीरे हेडेक। हाँ मतलब बिंज वॉच करेंगे उसको, उसकी बात करेंगे अपन डेडिके फिक्स में। लेकिन पहले अपने होस्ट के लिए स्लो क्लैप्स हो जाए। होस्ट है हमारे, मतलब भाई टॉपिक्स ही नहीं पता तुमको। चलो टॉपिक्स निकाल, देख रहा हूँ ये लिखा है टॉपिक्स में, वाईफाई लग गया मेरा, 5 मिनट ठीक हो गया। पता नहीं क्या बातें चल रही इधर। क्या अच्छा वो पुरानी बात है। ओ वर्क फॉर होम भाई, मैसेज खोल के नहीं देखता ग्रुप का हूँ? नहीं खोल के देखता हूँ मैं, खोल के देखता हूँ तुम सब क्या बातें करते हो। मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत तुम ना पीजे, तुम बस से उतरे और फिर चढ़ ही नहीं पाए। बस आजमगढ़ छोड़ के अब लखनऊ पहुंच चुकी है। ये पेड रिव्यूज की क्या बातें हो रही है चैट पे? ये प्रीमियम का टॉपिक। ओ प्रीमियम का टॉपिक है, ऐसे इंटीग्रेट बादल किया जाता है। ठीक है थोड़ा सा स्मूथ लगे, स्मूथ एज बटर। अब चलो अभी ये बात कर लेते हैं, शुरू ही करते हैं टॉपिक। पहले अच्छे से बताओ तो सही क्या टॉपिक है वो प्रीमियम का। नहीं अपन मिलजुल के, अरे प्रीमियम का बताओ लोगों को, बताओ का टॉपिक। ओके प्रीमियम का टॉपिक है कि अपन पेड रिव्यूज के ऊपर बात करेंगे और जो हाल फिलहाल में आग भड़की है ब्रह्मास्त्र को लेकर, इंक्लूड करेंगे कि कौन बात कर रहा है कौन नहीं बात कर रहा है। और ब्रह्मास्त्र को लेकर जो पेड, वो तुम्हारा कठपुतली वाला ट्वीट मेरे को काफी इंटरेस्टिंग सा लगा। हाँ ठीक है। हाँ वो उसके ऊपर भी सब पेड रिव्यूज में अपन बात करेंगे। ठीक है तो जुड़े रहना काफी काफी। और इस बार थोड़ा बड़ा हो गया अपना प्रीमियम जो है, पिछली बार का नहीं हुआ था तो इसका कंपनसेट करके हम थोड़ा बड़ा रखेंगे पेड रिव्यूज का। होप करते हैं आग कहीं ना लगे बस। चलो चलो पीछे चलो। ठीक है तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से। शी हल्क एपिसोड 5, बड़ा लंबा नाम था, स्ट्रेचिंग विन पैंट्स, दीस पैंट्स, पता नहीं क्या था। ठीक है अच्छा। और उतना ही छोटा एपिसोड वो उसका नाम मतलब कपड़े को लेके ऐसा था क्या? हाँ मतलब और उसको कपड़े मिल मतलब दिखाया ही नहीं एपिसोड में, वो लेती और खत्म। सूट के नाम पे पूरा एपिसोड बेचा लेकिन सूट था ही नहीं, दिखाया ही नहीं। बहुत ये फिलर एपिसोड था भाई। अरे पूरा शो फिलर है बे पूरा शो फिलर है ये। देखो मैं हमेशा हर चीज में आर्गुमेंट मेरा हमेशा रहेगा, हमेशा कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि शियल अच्छा है। मैंने पहले ही बोला शियल बिल्कुल मिड है, एकदम मिड है, और मिड का भी एकदम नीचे वाला पार्ट है वो। ठीक है लेकिन उसकी कॉमिक बुक्स भी मिड होती है। ठीक है लेकिन वही तो सोचो, मिड होने के बावजूद भी मैंने क्यों पढ़ा शी हल्क। तो जो सुनो, तो जिस रीजन के लिए तुमने पढ़ा था शी हल्क, बात करते हो यार, इसने मेरे करियर बनाया शी हल्क। आ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, आई हैव अ क्वेश्चन पीजे फॉर यू। जिस रीजन के लिए तुमने फिर शी हल्क पढ़ा था, क्या वो तुमको शो के अंदर मिल रहा है? नहीं रूल 34 में मिल रहा है। क्या नहीं पता रूल 34? नहीं मोहित को भी नहीं पता, बताओ क्या होता है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन। तुमको भी नहीं पता रूल 34? नहीं एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करा पीजे, एक्सप्लेन। ठीक है इट इज टाइम टू जस्टिफाई योर नेम। यस लिव अप टू योर नेम, या फिर हम नाम बदल के पीजे अनएक्सप्लेन कर देंगे। मैं बता रहा हूँ ठीक है, रूल 34 एक ऐसी चीज है इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है सालों से, कि इफ इट एग्जिस्ट इट्स पॉन। इफ इट एग्जिस्ट इफ इट्स पॉन, हाँ मतलब कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो इट्स पॉन। तुम्हारा फिक्शनल कैरेक्टर से लेकर तुम्हारे ईयरपॉड्स तक, गॉडजिला से लेकर तुम्हारी टेबल तक, इफ इट एग्जिस्ट इट्स पॉन। ये रूल 34 है। हाँ ये रूल 34 है। मैं भी एक पॉन। तुम भी एक पॉन। अभी 2 दिन पहले तो स्क्रॉल कर रहे थे ये, आज तुम बोल रहे हो अब मैं पॉन हूँ। भाई कौन हो तुम भी एक पॉन हो तुम भी एक पॉन। और सुनो एक और रूल है, रूल 64। 69 तो नहीं है? नहीं, दो ही मेरे को पता है, 5 का मैं उसमें इंच। सुनो रूल 64 वो है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स, 5 इंच। रूल 64 वो है कि अगर कोई भी कैरेक्टर, स्पेशली कैरेक्टर्स पे ही डिपेंड करता है ये, कि अगर कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो उसका जेंडर बदल जाता है रूल 64 में। अच्छा। अगर मर्द है तो औरत है तुम्हारा। तो मतलब अगर मैं ऐसा सर्च करूं कि पीजे
रूल 64 तो मेरा नाम उतना नहीं ना फेमस है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे भाई एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे तुम बोल रहे हो कि एग्जिस्ट करता है, तो मैं अगर सर्च करूँ पीजे रूल 64 तो पीजे का फीमेल वर्जन दिखेगा। हाँ, और मैंने सर्च किया पीजे रूल 34 था, क्या क्या था रूल 34, तो फिर मेरे को क्या दिखेगा वो, तो वो फिर बॉन दिखेगा। लेकिन पीजे का ओके ओके, मतलब फैन मेड होगा ना ये, फिर ये तो हाँ फैन मेड ही होता है, लेकिन हैरानी वाली ये बात है कि फिट एग्जिस्ट इट्स पॉन, तो सब कुछ मिल जाएगा, मतलब अगर पीजे 34 सर्च करें तो पीजे का पॉन मिल जाएगा। बाकी आगे आगे तुम लोग समझदार हो, योर मिशन क्या करना है, शुड यू चूज टू एक्सेप्ट, यस भाई यार जितने भी सब बंदे टैग करेंगे सब बैन होंगे इंस्टाग्राम पे। अभी अब एक्चुअल में अब एक्चुअल बात पे आ जाते हैं कि तुम बोले थे शीहल का रूल 34। एक मिनट पीजे तुम्हारे पापा का नंबर मैं बता दूं क्या सबको, तुम टैग कर रहे तो पापा जी को सीधे रूल 34 उनको भी तो पता होना चाहिए 34 नंबर का नियम कौन सा है। भाई यार कसम से भाई मेरे को बकवास कम करनी पड़ेगी। चलो आगे आगे, वही वही अपन शियल पे एक्चुअल पॉइंट पे आ जाते हैं कि तुम बोल रहे थे कि शियल की कॉमिक्स तुमने रूल 34 के कारण पढ़ी थी, इंटरेस्ट आया नहीं, मतलब शू हल्क पढ़ी थी फिर रूल 34 पे मैं शिफ्ट हुआ, ओ तो तुम्हारा इंटरेस्ट और ज्यादा आ गया। हां फिर शियल का रूल 34 देखा, हां और फिर आज तक इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ, वही इसीलिए तो शो भी एंजॉय किया जा रहा है, मिल नहीं रहा वैसा कुछ, बट वही ना तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई समझ नहीं आ रहा है कि मैं फिर भी क्यों देख रहा हूं। ठीक है तो बात सीधी सी है कि बिग मॉमी मॉन्स्टर्स वही बात है, और क्यों देख रहे हो तुम कुछ 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 बातें बताई नहीं जाती समझी जाती वो है। वही है कि साला मैं मर्द आदमी हूँ तो एक्सेप्ट करना कि भाई क्यों देख रहा है तू। पर मतलब अगर मैं चलो ठीक है अगर मैं नॉर्मली इस पे भी बात करता हूँ, जैसे आज का एपिसोड अपन ले ले, आज के एपिसोड में कोई सेक्स अपील नहीं थी ना, बिल्कुल नहीं है ना, कम से कम एक या दो एपिसोड डेढ़ एविल खा जाएगा। तो तुम कितना सेक्स अपील पे उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो और कितना बेच पा रहे हो? नहीं ना बेच सकते, जान नहीं रहे दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है, खा जाएगी जनता। ये दूसरी बार है कि शो ने इंटरनेट के बंदों के मजे लिए, हाँ फुल कि कोई लौंडा इंटरनेट कनेक्शन के साथ बोल रहा है कि हम तुमसे बेहतर कर सकते हैं। तीसरी बार एक ट्विटर आर्मर, अच्छा हाँ वो तो फोर्थ वॉल ब्रेक करके ठीक है, मतलब दे रहे हैं वो दे रहे हैं फुल एक वो पूरा मॉन्टाज था ना कि जिसमें बोल रहे थे कि तुमने सारे फीमेल्स को बदल के रख दिया ऐसे पूरा इंटरनेट। हाँ, वो तो है, वो तो सबसे बड़ा वाला हो ही गया पूरा ऐसा मुंह पे मारा है तुमको। हाँ, वो आर्गुमेंट तो बहुत चूतिया था वो शुरू में, जिनको नहीं पता है तो भाई वो तो कहेंगे ही कि क्यों सबको फीमेल, शीहल्क एक्सेप्शन है। उस टाइम पे मेरे ख्याल से वो राइट्स की वजह से उन्होंने शीहल्क को बनाया था, तो उस टाइम पे नेसेसिटी थी, आज नहीं पता लोगों को तो बात ही अलग है। और मतलब जैसे एक चीज मेरे को और भी लगती है कि मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मतलब जैसे हर कोई एक शो होता है उसका एक सेलिंग पॉइंट होता है, एक एंकर होता है जो उसको पकड़ के रखता है और उस वजह से आप उसको देखते हो। शी हल्क में मुझे नहीं मिला तो वही ना, ये सिटकॉम है लेकिन एक कहानी के साथ, साइनफील्ड की फिलॉसफी क्या है, सिटकॉम में आप कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट होते हो। तुम साइनफील्ड देख लो, फ्रेंड्स देख लो, हाउ आई मेट योर मदर देख लो, बिग बैंग थ्योरी देख लो, आप सब के साथ कनेक्टेड हो। और एक और बड़ी चीज कि सिटकॉम के नाम में सिचुएशनल कॉमेडी, ठीक है इसके ना तो सिचुएशन उतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना इसकी कॉमेडी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मामा हंसी आई क्या तुमको आज के एपिसोड की बात करो एकदम ताजा ताजा हंसी आई कि कहीं भी ऐसा मेरे लिए पता है, मेरे लिए पूरे शो का सबसे इंटरेस्टिंग सीन कौन सा था, वो क्रेडिट्स में जब वो अपने जूते दिखाता रहता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए वो सबसे इंटरेस्टिंग था। क्रेडिट्स में जूते, क्रेडिट्स में आखिरी में स्नीकर्स का एक पूरा वो है जिसमें डेडपूल और मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग सीन था वो। भाई तुम सोच के देखो फैंस खुश क्यों हो रहे हैं, उनको एक पेंटिंग के अंदर ठीक है इस्टर एग्स देखने मिल रहे हैं, डेडपूल का ऐसा आधा चेहरा दिख गया तो फैंस खुश हो गए। यस यस अभी मतलब अभी क्या करो आप, चल रही है नहीं देखो देख रहे हैं और बात वही है। और देखो पता है मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑडियंस भी बेवकूफ नहीं है ठीक है। तुम ये अच्छा तुमने अभी बनाया वीडियो पीजे इस पे, मैंने भी बनाया, अपन को मालूम है कि अपना वीडियो कौन से नंबर पे है। मैंने नहीं बनाया, मेरा तो पिछले हफ्ते से ही ड्रॉप हो गया। हाँ ड्रॉप आ गई थी, नहीं मेरा पिछले हफ्ते का अच्छा परफॉर्म किया था, इस वीक का नहीं किया मेरा। मेरे पिछले हफ्ते जैसा ड्रॉप नहीं था लेकिन हाँ ड्रॉप में है वो, मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब वो जैसे लोग ये पता क्या बताता है
ये बताता है कि लोग बेवकूफ नहीं है। अरे तुम वो देख लो, मैं पहली वॉच पार्टी किया था, 4000 लोग आए थे, ठीक है। आज टाइम से वॉच पार्टी हुई थी मेरी, 700 लोग आए। Shit यार, that is such a huge drop. कितने लोगों ने इसको छोड़ दिया होगा। मतलब ये पीजे खुद के, क्योंकि ये एक टाइम ये ऐसा रहता था ना, पांचवा एपिसोड मतलब अपन ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहे थे सीरीज के, तो ऑडियंस पकड़ी रहती थी उतना। लेकिन अभी सिटकॉम टाइप है, अभी 4-5 एपिसोड अभी बचे हुए हैं, पब्लिक भी पागल रही है 20 मिनट के लिए, क्या इंतजार करूं। सीक्रेट इन्वेजन की बात अलग हो जाएगी। नहीं, और कुछ एक्शन भी नहीं मिल रहा ना, क्या धमाका देखने मिला तुमको? वही वो कॉमिक्स की बात देख लो यार, कॉमिक्स तब भी इंटरटेनिंग है उनका। पैनल वही वही टाटियाना का पूरा एपिसोड था। बादल बादल आवाज, हेलो आवाज आई, हां आई आई। मैं बोल रहा हूँ कि टाटियाना का पूरा एपिसोड था, उसका कुछ नहीं देखने मिला। टाइटानिया 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 नाम है टाटियाना, तो वो एक्ट्रेस का नाम। अच्छा, वो मनिया हाशमी थी टाटियाना, हां कंफ्यूजन हो गया। तो क्या कह रहा है उनका, चिटियाना टिटियाना नहीं बोला मैं, बोलने वाला था। अच्छा, वो टिटियाना यही सब कांड है अपने, जिसकी वजह से मार्वल अपन को नहीं पूछता, ठीक है। और अब नहीं, और नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी नहीं भाई कोई, बस। अच्छा भाई, मैं शो के अंदर, शो के अंदर वो जो इंटरनेट वाले बंदों की बात कर रहे थे ना, इधर बैठे वो शो जान रहा था, बताओ इतना नॉलेज है कि लिखा है, ठीक है, ये तो टट्टी है, ठीक है, ऐसे ऐसा करो, ऐड कर दो कि पता है हमको कि ये खराब, ठीक है, जोक मार देते, जोक मार देते लोगों पे, वही सेल्फ रेफरेंस, बोल दो कि हाँ हमको पता है कि हमने खराब लिखा है, जिससे पता चलेगा ना कि डायरेक्टर का विजन खराब नहीं हुआ, ये तो विजन था इनका खराब करना। और चलो ठीक है, और चलो ठीक है, मैं ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको इस चीज का पोटेंशियल दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा है तो मैं बता देता हूँ कि इस चीज का कितना पोटेंशियल था, ठीक है। कॉमिक बुक्स पे नहीं जाऊंगा मैं, इसी पे शो पे बात कर रहा हूँ। ये शो आपने उठाया कोर्ट रूम ड्रामा के बेसिस पे, कि जितने भी सुपर हीरोज की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसको कोर्ट में लेके जाते हैं। सुपर हीरोज की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हुई स्टोरी के अंदर अभी तक? एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, इस सीरीज की बात कर रहा हूँ इसके अंदर। अरे तो मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सुपर हीरो कितना डिस्ट्रक्शन कॉज कर चुके हैं अभी तक। वही सिविल वॉर में नहीं देखते हो कि वो माँ आती अपनी बेटे को लेकर, वैसा एक इमोशनल मोमेंट था, वो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वो नहीं चाहिए अपने को, वो नहीं चाहिए, नो नो डार्कनेस प्लीज। कितना पावरफुल सीन हो जाता यही एपिसोड, कितना पावरफुल सीन हो जाता कि वही माँ आ रही होती कि मैं 20 साल से केस के पीछे भाग रही हूँ, मुझे इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है मेरे बेटे। अरे तुम कुछ भी उठा लो, यू पिक अप एनीथिंग यू वांट, स्पाइडरमैन नो वे होम का वो फेरी वाला, वो फार फ्रॉम होम, वो फर्स्ट होम कमिंग का वो फेरी वाला सीन उठा लो, जिसमें वो शिप अपार्ट होता है, उसमें आप बता दो कि कोई कैजुअल्टी हो गई थी, वो बंदा केस के चक्कर काट रहा है, आप स्पाइडरमैन का कैमियो करा दो और बहुत आसानी से एक मस्त एपिसोड बन जाएगा उस पर। कि मतलब उस कैजुअल्टी, वही ना, उस वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो अटैक था, अटैक था। उसके इंश्योरेंस के पैसे कौन देगा भाई? एग्जैक्टली, तो वो तो बोलेगा जाए स्पाइडरमैन से मांग। तो वही होगा कि ये सीरीज उनको ऐसा कर रही है, लेकिन इसका मेन फोकस है कि अपनी, क्या नाम है, शी हल्क का नाम, शी हल्क टाइटेनिया, के पर, हाँ टाइटेनिया जो है वो एपिसोड में मैं एक बार फिर से बोलूंगा टिट्स यहाँ। ठीक है भाई, अब शी हल्क वाले तुम कैंसिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, कैंसिल मोहित, मैं ऑलरेडी कैंसिल्ड हूँ। तो वो लोग वो प्रॉब्लम्स को छोड़ के क्या प्रॉब्लम्स पे फेस कर रहे हैं कि वो लिपस्टिक बेच रही है तुम्हारे नाम के ब्रांड का, तो तुमको अब अपना नाम बचाना है। एक दूसरा, मेरे को ऐसा लगता है दूसरा जादूगर कहीं जादू दिखा रहा है तो वॉन्ग को उससे दिक्कत होगी, तो उसका केस लड़ो तुम। अरे मतलब अबे मैं तो वो शो एपिसोड गजब चूतिया था भाई। सुनो, मैं सॉर्सरर सुप्रीम होता जाता उसके। अरे मैं तो बहुत आसानी से काम करता, मैं तो उसकी उंगली से वो रिंग निकाल लो, तू बस कर जाता, दिखा अपने जादू भाई, तू सॉर्सरर सुप्रीम है, रिंग निकाल ले खत्म हो जाएगा काम उसका। वो भी तो देख लो, डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में जो उसकी पावर निकाल लेता है मोडो, ठीक है, वो भी बड़ा आसान था। तेरे को पूछना क्या, केस क्या कर रहा है भाई तू, सॉर्सरर सुप्रीम में जाके केस लड़ रहा है। दैट वाज सो, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो चीजें है ना, ये मतलब जब, और भाई वो भी तो देखो, मतलब तुम देश के वन ऑफ द, मतलब एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिजंस में से एक कैदी को भगा रहे हो, और जजेस बोले ठीक है कोई बात नहीं है जाओ। अरे जजेस तो इतने महान, वो पिछले एपिसोड में था ना, वो कुत्ता या हैट में से कुत्ता या बिल्ली निकलता और वो देख के जज
डिसीजन जो है खरगोश 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 निकालता है और करती है और उसको कहती है ठीक है ठीक है दिस विल गो टू ट्रायल वही एक और देखो ये वही कोर्ट रूम है जहां पे डेडेविल को काम करना आई होप नॉट आई सीरियसली होप नॉट लेकिन तुमने मतलब एक्चुअल में सही पॉइंट उठाया कि जो इंसिडेंट हुए हैं उसको लेके वो लोग दिखा सकते थे कि जो नॉर्मल पब्लिक है उनका उनकी भी कोई गलती नहीं थी लेकिन कैजुअलिटीज हुई हैं बट मार्वल या डिज्नी थोड़ी अपने सुपर हीरोज के ऊपर ऐसे छींटे पड़ने देगा कि वो लोग तो गलत काम कर ही नहीं सकते है ना वो तो एकदम वो फिर बॉयज इंटरनेट की मार रही है टू मच फन अबे वो तुम क्या वो गैंग बैंग चलेगा वहीं पे तुम देखो वो संजय दत्त की पिक्चर देखिए वो संजय दत्त की दौड़ मूवी थी कौन सी मूवी थी उसमें वो बताता है कि शेर के पीछे पापा पिताजी क्या बात कर रहे हो यार तुमने वो सीन नहीं देखा अबे यार वो तो भाई हाईलाइट है यार देखना पिताजी के पीछे शेर शेर के पीछे पिताजी अच्छा पिताजी के पीछे शेर मस्त है भाई वो खैर मैं क्या पॉइंट आउट कर रहा था मैं भूल गया इसके बाद मार्वल की कौन सी सीरीज आने वाली सीक्रेट इन्वेजन और वो वेयरवुल्फ से पहले तो वो एक मूवी आ रही है एक स्पेशल है वेयरवुल्फ बाय नाइट तो स्पेशल है कितनी कितना लंबा होगा कुछ आइडिया है मेरे ख्याल से एक घंटे के आसपास होगा इससे ज्यादा नहीं उससे ज्यादा वो तो पिक्चर बन गया ना फिर एक घंटा दस मिनट एक घंटा बस लेकिन हाँ उसमें वो क्या था कि मार्वल क्या लग रहा है ब्रूटैलिटी किस नजर ब्रूटैलिटी तो है ब्रूटैलिटी है उसमें लेकिन डिज्नी प्लस पे आ रहा है तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे उम्मीदें नहीं लगा रखूंगा वो उम्मीद ही नहीं मेरे ख्याल से ये NC-16 वाला कुछ हिसाब कर सकते हाँ वो वैसा बन जाएगा उसको दिखाएंगे प्लस ना उसमें कुछ सीन्स में ऐसे दिख रहा है कि खून निकल रहा है हाथ कट रहा है तो थोड़ा बहुत पुराने जैसे यूनिवर्सल का स्टाइल होता था चीखना वो थोड़ा सा हाँ वो थोड़ा सा नजर आ रहा है उसमें और मतलब अच्छा लग रहा है मजेदार लग रहा था मेरे को मैंने उसका ट्रेलर भी थोड़ा अच्छे से देखा तो उसमें मैन थिंग भी दिखाया उन्होंने तो है वो मजेदार है लेकिन मतलब कहाँ लेकर जाएंगे क्योंकि अपन क्या है ना टेस्ट ठीक है मेरे को ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है कि इंसान पे कॉस्ट्यूम चढ़ा के बना रही वेयरवुल्फ लेकिन मैं सीजी का फैन हूँ ठीक है सीजी वेयरवुल्फ चाहिए नहीं यार वेयरवुल्फ सीजी नहीं होगा इसमें और मतलब इसमें नहीं होगा मैं जान रहा हूँ इसमें नहीं होगा लेकिन आगे चल के अगर मेन MCU में दिखाया तो सीजी होगा उसमें सीजी चाहिए क्योंकि वो असली बिस्टैलिटी उसी में नजर आएगी ठीक है वैसे मजाक हो जाएगा और वही मैं बोल तो मतलब तुमने पहले जो बोला ना उस पर मैं बोलने वाला था कि मैं अग्री नहीं करता हूँ क्योंकि शो जिस टाइप का लग रहा है वो और जो ये तो सेटिंग वगैरह तो लग रही है उसमें वो प्रैक्टिकल ज्यादा ऐसे फील आएगा उसका एक्स्ट्रा तो वही लेकिन तुमने बोल दिया कि आगे चल के सीजी चाहिए तो फिर आगे चल के तो चाहिए ही लेकिन इसमें ये भी तो है जैसे कि मैंने नोटिस किया कि ये मॉन्स्टर यूनिवर्स मार्वल क्या लगता है खड़ा कर रहा है अपना अलग से पॉसिबल हो सकता है क्वाइट पॉसिबल डिपेंड करता है देखो अब इसमें दो रास्ते इनके पास बस वो ये मॉन्स्टर का ठीक है थंडरबोल्ट जैसा ना कर दे इस पे भी बात करेंगे इस पे बात करेंगे इस पे भी बात करेंगे ठीक है तो खैर मैं मेरा पॉइंट ये था जैसे इनके पास अब दो रास्ते हैं सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हो कि अपना मॉन्स्टर वर्स पूरा अलग कर दो ठीक है वेयरवुल्फ बाय नाइट मैन थिंग और भी जो भी मॉन्स्टर्स हैं या फिर इनको लेकर के आप मेन मार्वल सिनेमैटिक के सुपर हीरोज यूटिलाइज कर लो जैसे ब्लेड हो गया और अगर थोड़े हाथ पैर मारो तो मॉर्बियस भी आ सकता है पनिशर हो गया और भाई मॉर्बियस नहीं आएगा उसके भाव देख रहे हो तुम नेटफ्लिक्स नंबर 2 पे ट्रेंडिंग है वो टॉप कर रहा है आज भी सोचे लगा था रीजन एक ही है ना आज भी इट्स मॉर्बिन टाइम वही इट्स मॉर्बिन टाइम Because it's fun. Sony वाले साले दो बार रिलीज करके लॉस करवा चुके हैं Netflix मस्त फायदा उठा रहा है इसका अभी तो तुम भी यदि देख रहे हो लोग कह रहे हैं कि भाई सेकंड पार्ट भी बना दो बन भी जाएगा Sony वाले तो जोश में आ रहा है सेकंड पार्ट पार्ट Morbius पार्ट 2 इट्स Morbin टाइम इट्स शुरू में ही बोलेगा मल्टीवर्स ऑफ द Morbius द वर्ल्ड नीडेड अ हीरो दे गॉट मी इट्स Morbin टाइम ठीक और फिर पिक्चर चालू नहीं ठीक है लेकिन मेरे को लगता है ना कि सही है कि अपने मेन यूनिवर्स में भी ला दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ ना अलग अलग रखें अगर आपको जाना है उस मॉन्स्टर वाले जगह पे तो आप अलग रखो मे बी जब एवेंजर्स टाइप कोई इवेंट हो तो आप बुलाओ मल्टीवर्स से लोगों को बाहर को हाँ वरना कॉन्फ्लिक्ट अब जितना आप इंक्लूड करोगे उतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड बनता जाएगा मतलब इसीलिए मैं अब जैसे मेरे को तो बहुत ज्यादा पता नहीं है बट फिर भी
जो पूरी यूनिवर्स की बात होगी तो उसके अंदर सेपरेट करेंगे तो ज्यादा सही हो जाएगा, वरना कैसा होगा कि एक कैरेक्टर उन्होंने दे दिया, एक कैरेक्टर उन्होंने दे दिया, फिर प्लान बना शूट करने के बाद कि नहीं 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 उसका प्लान अलग है कैरेक्टर का, तो बोलेंगे कि फिर इसको काटो पीटो फिर स्टोरी चेंज करो, तो ये भी उसका फुल पोटेंशियल नहीं मिलेगा अपने को। वही ना कि टीवी अपना गेटवे बनाए रखो कि वहां से आना जाना हो, मतलब अलग एक मजा आ जाएगा, फुल पोटेंशियल अपने को देखने मिलेगी क्या बना सकते हो, देखने मिल जाएगा ना, और चीजें भी क्लियर रहेंगी कि हाँ भाई इसका असर उस पे नहीं पड़ेगा। और ये इसमें अपन को कितने देखने को मिल गया, अपन को जॉम्बी मिला, जॉम्बी मिला कि वो वैम्पायर था जो ट्रेलर में क्या था, ट्रेलर में वो तो ऐसे ही था कुछ भी था, वो आई थिंक रैंडम, इट वाज रैंडम बुलशिट। ओके हां तो नहीं मेरे ख्याल से ऑकल्टिस्ट भी दिख गया, ज़ॉम्बी होगी या फिर वैम्पायर होगा, हां पता नहीं, हां मे बी समथिंग लाइक दैट। और इसमें मैन थिंग है, वेयरवुल्फ है, मैन थिंग, ये दो तो पक्के हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें एक मॉन्स्टर और होगा जो मेन विलन होगा इसका, क्योंकि वेयरवुल्फ और मैन थिंग को लड़वाएंगे नहीं, मैन थिंग तो मतलब वैसे मैन थिंग नहीं देखे कि वो खींच के पीछे ले जा रहा था उसको, हां और मतलब मैन थिंग ऐसे इविल नहीं है प्योर, Okay. मतलब वो क्या है पॉजिटिव साइड पे ही रहता है उसको, तो ये है कि भाई शांति बनाए रखो इस टाइप का, तो मैं बता रहा हूँ मैन थिंग की 80s की पिक्चर देखना मजे आएंगे। अच्छा वही है क्या इसमें भी नियम नंबर 34 ओ भाई यार, लेकिन हाँ वो थी अपने टाइम में मजेदार। इससे इससे रिलेटेड जैसे आज ही मैंने वीडियो बनाया थॉर लव एंड थंडर के डिलीटेड सीन्स पे, तो तुमने चेकआउट किया उसके डिलीटेड सीन्स? हाँ मैंने दो देखे, मैंने चार आए टोटल, चार। अच्छा ठीक है, उसमें से एक जो मतलब ऐसे देखा कि मैं आउट हो गया सीधा, यहाँ से खसक गया मेरा। क्या था उसमें? उसमें पहला उसमें वो लोग अर्थ पे हैं, ठीक है, मतलब गौर से लड़ने जाते हैं, उसके शैडो रेल्म था ना नाम उसका, वहाँ पे लड़ने जाते हैं, उसका स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है वो, वापस अर्थ पे आते हैं, और तब थॉर को पता चलता है कि उसको कैंसर है, जब उसको तब देखता है वो बिना म्योलनर के हॉस्पिटल में रख देता है, वहाँ पे इमोशनल बातें चल रही होती है, और पीछे ज्यूस आता है आइसक्रीम खाते हुए, और फिर वो ज्यूस उसकी बातें सुन के बोलता है कि तू थोड़ा इमोशनल लग रहा है मेरे को, इमोशनल गॉड टाइप है, तेरे को मैं अपने बोल्ट का सीक्रेट बताता हूँ, तो वो चलते हैं, और वहाँ पे मतलब अच्छा खासा डायलॉग है कि वो बोलता है मैंने अपने बेटे को भी नहीं बताया, और वो उसका मतलब बताता है कि कैसे हार्नेस करना है पावर वगैरह सब, और वो उसको बताता है कि इटर्निटी कहाँ मिलेगी, समझ रहे हो? और उन्होंने क्या किया, ये सीन पूरा कट करके पिक्चर के स्टार्टिंग में दिखा दिया कि वो उसको मार देता है, ठीक है ना, अगर वो मारा होता तो कुछ नहीं था यहाँ पे उसका इस सीन के अंदर, वही तो पूरा उसका कैरेक्टर ही वो हो जाता ना, कि वो जो क्या बोलते हैं उस जगह का, हाउस ऑफ गॉड्स का, ओमनीपोटेंट सिटी, ओमनीसिटी, ओमनीपोटेंट सिटी, कोबरा का है, देख लिया तुमने पूरा? हाँ देखा, मेरे चार ही हुए, मेरे चार ही हुए, मैं बहुत धीरे मैं एंजॉय करूंगा एकदम फुल एंजॉय, मैं सोच लिया था इस बार, ठीक है स्पॉइलर नहीं देगा मैं, लेकिन जैसे मेरे बारे में ऐसा है कि मेरे को रात को जल्दी सोना होता है, एक बस पॉडकास्ट ये जब मैं जग जाता हूँ, लेकिन कोबरा का मैं लेट रात को चालू किया, और डेढ़ नहीं एक एक डेढ़ बज गए होंगे, एपिसोड नंबर 5 आया, कुछ तो ऐसा होता है बिल्डअप बिल्डअप पूरा एकदम, और उसके बाद बोला आप तो भाई सो नहीं पाएंगे आज में, और कितने बजे ट्वीट किया था मैं, 3:30 बजे कुछ तो किया था या 4 बजे, जगते पूरा रात भर जग के देखा, सोचा भाई दो, वो दो एपिसोड और होते तो अगला दिन आ जाता सीधा, नहीं वो वर्थ इट है भाई, कोबरा का है वर्थ इट। और पता है मेरे को ऐसा लगता है एक वो ऐसा शो है जिसको शायद मैं 15 सीजन भी चलता रहेगा तो मैं देखता रहूं, अरे हाँ मतलब तुम ऐसा सोचते हो कि कुछ बहुत ज्यादा नए कैरेक्टर्स वो नहीं घुसा रहे, कुछ बहुत ज्यादा नई स्टोरी नहीं कर रहे वो लोग, लेकिन फिर भी हर सीजन के बाद अगला सीजन और ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ, अरे मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंट ऐसा भी नहीं हो भयंकर एकदम स्काईरॉकेट करके नीचे, कंसिस्टेंट वही चल रहा है अपने मस्त पेस में, मस्त मजा दिला रहा है तुमको, भयंकर एंजॉय करते हो यार उसको, लगता है देखना पड़ेगा, तुमने नहीं देखा करके रख लेता हूं, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा ब्रो ब्रो ब्रो, फिर ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कराटे किड पार्ट 1, कराटे किड पार्ट 2 देखी है मैंने, पार्ट 2 नहीं देखी, पार्ट 2 फिर उसके बाद कराटे किड पार्ट 3, अच्छा ठीक है हाँ, और उसके बाद फिर ये कोबरा का सीजन 1, मजा कायदे से कायदे एकदम, मतलब पूरा एकदम 100% तुमको मजा लेना पूरा भाई, उसकी फील है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कराटे किड मूवी फर्स्ट पार्ट की फील है, सेकंड पार्ट की भी अपनी फील है, थर्ड ओके लेकिन मतलब देख लोगे तो मजा है, होता है आदमी अपन ऐसे मूड में होता है, जैसे कि जब आशीष से मिला था तो उसने बताया था कि 21st जंप स्ट्रीट देखी है कि नहीं, ठीक है, फिर रात पे एक दिन चालू किया पार्ट 1 2 दोनों लगा खत्म, कहते यार सही है फील भी है उसकी, अच्छा अपनी है, अपनी वाइब है पता है इन चीजों की, तो क्योंकि पता वैसी पिक्चरें बनती नहीं है भाई, नहीं 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 हाँ, तो
चालू करेंगे एक ही दिन में तीनों देखे खत्म, मतलब दोनों देखे तो। और मतलब ऐसे जो ओरिजिनल पिक्चर में एक्टर्स थे उस टाइम पे जो बच्चे थे थोड़े यंग थे वही एग्जैक्ट एक्टर्स उन्होंने अभी वापस से लेके आए, वही सेम और वही सेम कैरेक्टर और वही प्ले कर रहे हैं वो, और वो जिस तरीके से स्टोरी के अंदर डालते जा रहे हैं कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि हाँ भाई जबरदस्ती कर रहे हैं वो लोग। नहीं, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगता भाई वो। अच्छा जो मेरे को याद है जब शायद सीजन वन के ऐसे आसपास हुआ कुछ आया था ठीक है, तो ऐसे स्कूल के कॉरिडोर में ऐसे फाइट हो रही थी सीजन टू में ठीक है, एंड वो टू में ठीक है, तो उसके बाद स्कूल से आगे बढ़ गए कि कैसे कहाँ पे हैं सब अभी? नहीं अभी अभी स्कूल की कहानी चल रही है, वो स्कूल में ही है, मतलब वो बेसिकली कहानी स्कूल की नहीं है, वो तो स्कूल तो एक फेज है उनकी लाइफ का। अच्छा हाँ। बाकी कहानी कैरेक्टर्स की है जो और कराटे के आइडियोलॉजीज जो है मेन, वो कि कराटे ऑफेंसिव डिफेंसिव क्या होना चाहिए कैसा होना चाहिए इसके ऊपर मेन। इसमें तुम टीनेजर्स की थोड़ी लव स्टोरी डाल दो, थोड़ा उनका ड्रामा डाल दो, टीनेज ड्रामा लव स्टोरी और भाई मतलब बहुत और मतलब तुम सोचो अभी सीजन 5 था ना, ये 5 सीजन में वो लोग अपने को कराटे फाइट्स दिखा रहे लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि भाई ये तो देख लिया है ठीक है ना, अब बस हो रहा है कराटे वही रिपीट लग रहा है, ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। अरे बहुत कंसिस्टेंट शो है भाई, बहुत कंसिस्टेंट शो है, मतलब मैं जब मेरे को ऐसा लगता था कि यार कराटे किड को कुछ आना चाहिए इसका, और जब अनाउंसमेंट हुआ था तो मैं बहुत खुश था, पर मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा बेहतरीन बनाएंगे इसको, बहुत बेहतरीन बना। और पहली मूवी जो सबसे पहली मूवी थी उसके अंदर जो है अपने को एक थोड़ा विलन टाइप दिखाया था लौंडा, वो एक तरीके से इसका मेन मतलब को हीरो है, मैं जानबूझ के बहुत स्लो देख रहा हूँ, बहुत मैं सेवर कर रहा हूँ, मैंने कहा यार नहीं। मेरे साथ हुआ था सेक्स एजुकेशन के टाइम, दूसरा सीजन आया था और पहला बिंज कर खत्म कर दिया था, तीसरा बहुत दूसरा बहुत स्लो देख रहा था मैं, क्या यार खत्म हो जाएगा अभी यार सब मूड खराब हो जाएगा। और सीजन 2 के एंड में जब वो मैसेज डिलीट कर देता ना फोन से, मैंने नहीं देखा, मैंने देखा नहीं है सेक्स एजुकेशन, नहीं देखा मेरा बचा हुआ है, स्पॉइल नहीं करने का भाई। एक या डेढ़ साल बाद आया था सीजन 3 उसका, इतनी गालियां दे रहे थे ना उस एक कैरेक्टर को, इतनी बस कोई भी ऐसा नहीं है कि अच्छा बोलेगा, अरे हाँ ठीक है भाई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन स्पॉइलर नहीं, हेट अंदर से ऐसा हेट निकलता था उसके लिए कि हरामखोर हरामखोर। अब मैं स्टार्ट करना है मेरे को, अरे देखो यार। और पर इससे मेरे को याद आया जैसे अभी मतलब रिसेंटली जैसे नेटफ्लिक्स अब खोलते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ना अभी मेरे को मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे को देखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ भी? देखो ऑप्शंस बहुत सारे होंगे तुम्हारे सामने, लेकिन देखो क्या ये मतलब ये ऐसा लगता नहीं, नहीं पर मतलब मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा, जैसे मेरा पर्सनल मेरे को जो चीज मेरा जॉनर फेवरेट है जैसे मेरे को मर्डर मिस्ट्री और क्राइम और थ्रिलर्स पसंद है, तो वहां पे मैंने बहुत सारी चीज ऑलरेडी देख ली है, तो मेरे को अब ऐसा लगता है कि वहां पे मेरे लिए कुछ नया नहीं है, और तो मतलब नेटफ्लिक्स जब तक नया कुछ लेके नहीं आता तो आई एम लाइक अब मेरे लिए नेटफ्लिक्स का कोई काम नहीं है। नहीं अब मेरे क्या है ना, मैं अब जैसे अकेले मैं देखना जो तो देख ही रहा हूँ ठीक है, मांगा पढ़ लेता हूँ क्या है क्या, अब जब देखने की बात आती है तो वो स्मार्ट टीवी पापा के पास है ठीक है ना कमरे में, और उनके पे खाली मैं डिज्नी प्लस पे ही कुछ देखता हूँ तो बाकी तो बात ही खत्म हो गई, नहीं तो वही नियम नंबर 34 तो क्या ही बचा। अरे तुमको क्या लगता है कि मैंने ओबी-वॉन केनोबी 3 एपिसोड किस वजह से देख लिया? अच्छा वो पापा लगाए थे तुम्हारे? पापा ने लगाया, मतलब मैंने ही लगाया था, और मैं भी देख रहा हूँ पापा भी देख रहे हैं, उन्होंने पूरा बोबा फेट देखा है मेरे साथ। ओके नाइस, कुछ बोले नहीं कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा, मैं पूरा बोबा फेट देखा हूँ। वो भी सोच रहे अच्छा लगा होगा तभी देख रहे होंगे, नहीं वो भी सोच रहे हमारा लौंडा का देखता है जरा हम भी तो देखें। अरे मैं क्या देखता हूँ, बाद में कुछ चला देता तो लफड़े हो जाते हैं वहाँ पे, वो जो मैं देखता हूँ डिज्नी प्लस पे नहीं मिलेगा। अरे तो अरे हाँ सोच रहे हो, मैं वो देख रहा था कौन सी पिक्चर थी वो सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस जो बोलती हीरोइन, हाँ बहुत पुरानी पिक्चर थी भाई साहब, हिंदी में कहिए जो कहा था क्या बोला ये, मतलब एक्सीलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी यही था, मतलब गाना था काफी अच्छा, मैं अपनी बहन के साथ बैठ के देख रहा था। डिज्नी में क्या तुम बैठ के देख सकते हो भाई? अरे नहीं ऐसा नहीं, मतलब तुम बोल रहे हो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि डिज्नी ही एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम बिना डरे अपने फैमिली के सामने चीजें लगा सकते हो, राइट, भले हम लोग कितनी भी गाली देते हो कि भाई हमारे लायक कुछ निकालो तुम, बट अपन अभी तो मार्वल के लिए गाली देते हैं, डिज्नी उसके लिए गाली नहीं देते।
मैं तो खुद अभी टॉय स्टोरी 5 देख के मैं फिर रोना चाहता हूँ सही में। टॉय स्टोरी 3 में यार मैं बोलने वाला था भाई, टॉय स्टोरी 3 पीक पीक था टॉय स्टोरी, अबे वो पीक थी भाई यार, टॉय स्टोरी 3 पीक था भाई। वो आखिरी में जब वो जो पूरा टॉयज के साथ खेलने वाला सीन था ना उसका, वो एंडी और वो जो बच्ची के भाई, मैं याद है मेरे को उस टाइम ढंग से इंग्लिश नहीं आती थी लेकिन फिर भी दिल एकदम लगते थे भाई यार छोड़ के जा रहा। और ना पता है वो वाला जो मोमेंट था ना जब वो सारे उसको खिलौने दे देते और वो आखिरी में उसको हुडी मिलता है, वो आखिरी में उसी में पड़ा रहता है, तो पहले वो उसको देता तो ऐसे लेने लगते तो एकदम खींच लेता है छीन लेता है कि नहीं, वो मेरे को इतना हिट किया मैंने कहा यार बहुत बहुत तगड़ा मोमेंट था यार। तुमको फील हुआ होगा कि नहीं, तुम भी सोचोगे कि मेरे खिलौने कहाँ रखे हैं, जो भी बचे कहाँ है साजे सब। अरे नहीं यार मतलब बहुत हिट कर वो पिक्चर ना, बहुत मोमेंट्स पे हिट कर, थर्ड पार्ट तो बहुत गंदा हिट करता है भाई, थर्ड पार्ट बहुत गंदा। और मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ इमोशन पे नहीं बेची वो पिक्चर, उसमें मतलब प्रॉपर कैरेक्टर्स और सारी चीजें हैं कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में चले जाते हैं, फिर वहां उनके साथ क्या क्या चीजें होती है, फिर वुडी आता है बचाने के लिए, वो टेडी बियर वाला पूरा सीन होता है, वो टेडी बियर वाला पिंक टेडी बियर होता है, हाँ वही वो लोग कोई ऐसे जलते लावा या आग में गिर रहे होते हैं पूरा, हाँ हाँ सब हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे का, पता नहीं कोई एक YouTube वीडियो तुमको मिल जाएगी, फैमिली के साथ अपने दिखा रहा था पूरा और पिक्चर को वहीं पे एंड कर दिया, मतलब कि क्रेडिट्स जोड़ दिया कि मतलब सब खत्म मर गए सारे टॉय स्टोरी में, फैमिली ट्रॉमा में ऐसे क्यों मर गया उन्होंने भाई, क्रेडिट्स रोल बच्चे बच्चे होंगे तो उनके लिए तो टॉय स्टोरी वहीं खत्म हो गई भाई, इतना डार्क हो गया ये तो वो फिर टाइम से पहले ही बड़े हो गए, फिर समय से पहले बड़े हो गए, पेरेंटिंग 101 बच्चों को डिज्नी से दूर रखो ठीक है। नहीं वही है डिज्नी के लिए, तो मैं पुरानी पुरानी पिक्चरें देख रहा हूँ उसपे, वो पुरानी भी बड़ी अच्छी थी मतलब की ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसा वो जो था मैरी पॉपिंस, हाँ मैरी पॉपिंस देख रहा था, उसपे गाने काफी अच्छे थे लेकिन मेरे पापा को फिर नहीं गया, बदल इसको चेंज करो यार, कुछ वो कुछ वो लगाओ लोहे वाला जो आदमी आता है ना, लोहे वाले आदमी से मेरे को याद रोबोकॉप देखी क्या किसी ने, पुरानी वाली नहीं, पुरानी नहीं देखी, देखना देखना ये, मतलब ये जो रेट्रो मूवीज का ना इसकी वाइब अलग होती है पता है, वो पता है रोबोकॉप मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने रील्स या शॉर्ट्स पे ऐसा कुछ देखा था, रोबोकॉप शायद 2 में ऐसा कुछ होता है कि सिर्फ दिमाग और 2 आंखें बची होती है, हाँ 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 नहीं मैं भी भूल गया हूँ एक्चुअली, मैंने भी काफी पहले देखी थी, सोचो बंदा जिंदा है नहीं तो मतलब उसका क्या होता है, उसके सामने डॉक्टर उसका चेहरा लेकर खड़ा है, मतलब ये मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट का है, फर्स्ट का पता नहीं मेरे को, ये मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है, पर ये मेरे ख्याल से जो चेहरे वाला सीन है ना ये जब सबसे पहले होता है, जब वो उसको बनाते ही है ना तब होता है, इतना डिस्टर्बिंग लगता है, मतलब इंसान जिंदा है, मैं पुरानी रोबोकॉप की बात कर रहा हूँ एकदम पुराने, हाँ, पुराने मतलब कि तुम्हारा दिमाग और आंख ऐसे दिखे तुम अपने आप को देखो, कुछ ना चिल्ला सकते हो ना बोल सकते हो कुछ भी नहीं कर सकते भाई, और मतलब इमोशंस खत्म हो जाते हैं उसके बेसिकली, उसकी स्टोरी यही है कि वो उसका इमोशंस खत्म हो जाते हैं, उसकी कोई मेमोरी नहीं रहती, वो बस एक मशीन होता है जिसको वो लोग एक, लेकिन फेस देखे टॉप लेवल का टॉर्चर है भाई यार, मतलब कि क्यों जिंदा रखे हो वैसे इंसान को, तो सिर्फ एक सुपर साइबॉक्स सोल्जर बनाने के चक्कर में, पर मतलब अच्छी है उसकी वाइब, जैसे जैसे गौतम को अपन देखते आ रहे हैं ना, तो वैसे डेट्रॉइड उसमें बताया कि कैसा यूनिवर्स है जहाँ पे एकदम क्राइम बहुत वो हो गया और एकदम फ्यूचरिस्टिक टाइप की टेक्नोलॉजी और सब एग्जिस्ट करता है, तो वो मस्त है उसकी वाइब है, तुम बोल रहे थे ना कि वही उसकी वाइब अलग है, हाँ। क्यों, क्योंकि उस टाइम तक सुपर हीरो इसको जो है उन्होंने ऐसा मशीन में पिक्चर डाल के बनाना है फिगर आउट नहीं किया था, हाँ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, हाँ। लेकिन यार मशीन में डालो, उसके कंपैरिजन में पुरानी पिक्चरों के कंपैरिजन में ये नई रोबोकॉप उतना इंपैक्टफुल नहीं, नहीं 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 वो कभी कर भी नहीं सकती यार, वो बहुत अलग थी, इन लोगों ने एक्चुअली क्या है ना उस जैसे कोबरा काई की अपन बात कर रहे थे, कोबरा काई ने क्या है कि उसका एसेंस मेंटेन करके रखा है तभी वो इतना अच्छा लगता है, तो इन लोगों ने क्या उसका एसेंस ही लूज कर दिया, उसमें रोबोकॉप के अलावा कुछ और सिमिलर है ही नहीं, तो वो उसका एसेंस रोबोकॉप और वो जो पूरी सिटी है ना, जैसे बैटमैन देखते हो आप तो आपको गौतम अलाइव फील होता है, जैसे अपन ने मैट्रिक्स वाली देखी थी इसमें गौतम की एक अलग फील थी भाई, अरे भाई यार, तो वो जो होता है ना वैसी डेट्रॉइट की फील है, तो उसको कैप्चर करना बोल नहीं किया तो वो नहीं चलेगी, मस्त है लेकिन मैं बोलूंगा ट्राई मारो, अरे स्टार वॉर्स से याद आया अपन ने मैंडलोरियन का ट्रेलर देखा भाई, हाँ यार अच्छा, मैंने बाद में नहीं देखा, मैंने तब इतने छोटे देखा था, अच्छा तुमने छोटे में देखा, मेरे को याद है मैंने पापा के सर पे
तो इतना छोटा मैं ऐसा सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या चल रहा है क्या चल रहा है। हाँ अच्छा याद आया मेरे को, वो आपस में ही करने वाले सब कुछ अभी। अबे म्यूजिक व्यूजिक जो चेंज कर दिया है ना मोहित ने बताया, तब मैंने नोटिस किया, मैं वही सोच रहा हूँ कि मेरे को कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है वो वाली फील, तब ओ ये कहानी की मान थी भाई। ओके भाई साला, मतलब वो जो था ना उसके कहते सीजन 1 और 2 तक उन्होंने उसके सोलो एडवेंचर्स दिए, वो था बाउंटी हंटर, वो हर एपिसोड अलग कहानी। अब वो बन गया है चोजन वन, समझे, अब उसकी, अब उसकी डेस्टिनी है, अब उसके पास है डार्क सेबर है उसके पास। अबे कलर गायब हो गए उस सीजन से, ठीक है इतना डार्क है भाई, बारिश हो रही है इसका म्यूजिक वही दे रहा है ना लुडविग गरांसन, हाँ तो पता नहीं मेरे को, वही देगा वही देगा वही देगा, अबे फाड़ा हुआ लुडविग भाई यार, नाम मचा दिया वो। देखो उसका, देखो उसका ट्रेडिशनल म्यूजिक तो होगा जो उसका हुआ ना टुडुम वाला, लेकिन फिर जो टुडुम के बाद होगा वो बेसिक, लेकिन उसको वो बहुत रेयरली यूज करने वाले सीजन में, मैं बता रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से पहले एपिसोड में यूज कर सकते हैं एंट्री मार, फिनाले में भी कर सकते हैं, फिनाले में भी कर सकते हैं जब ऐसे डार्क सेबर निकाल के फाइट करेगा, अब जिससे भी करेगा अपने को नहीं मालूम पर कर सकते। लेकिन यार इतना खूबसूरत भी था भाई यार, क्या बताऊं यार, बहुत ये देखो यही चीज तो अपन मार्वल से मांगते हैं भाई, और तुम सोचो सेम प्रोडक्शन हाउस है, सेम प्रोडक्शन हाउस, सर बस ऐसे ना दरवाजा खोल के देखने की तरफ, मैंडलोरियन भाई क्या कर रहे हैं, दूसरे दरवाजे में शेर कपड़े बदल रहे हैं, वो अपना सेबर ऊपर निकाल के क्या इधर अपने टाका वटीटी अपना वही जोक मार रहे हैं, थॉर लव एंड थंडर के सीन काट रहे हैं, एक काम करते हैं ये वाला काट देता हूं, उसकी बात खत्म ही नहीं, डिलीटेड सीन, हां लव एंड थॉर लव एंड थंडर का एक एपिसोड मतलब डिलीटेशन का लिटरल नाम है टाइम वेस्टर। हाँ अरे तो बताओ ना मेरे को बादल क्या हुआ फिर। हाँ तो जैसे अब मैंने उसका बता रहा था कि वो तुम ज्यूस का देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि हाँ बंदे के अंदर कैरेक्टर है, वो मतलब फील करता है उसको कि हाँ भाई तू जा, और वो उनको मतलब एक तो लोकेशन बताता है इटर्निटी की, वो बोलता है कि स्पेस के एकदम एज पे, पिक्चर में अपने को क्या बताता है कि यूनिवर्स के बीचों बीच सेंटर में, सेंटर में, तो ये एक हो गया। और मतलब उससे फिर मतलब एक और रीजन मिल जाता है ना कि आगे चल के फिर थॉर वो लाइटनिंग बोल्ट की पावर कैसे यूज कर पा रहा है, क्योंकि ज्यूस ने उसको बताया था। हाँ, मतलब वो फिर हैफेजर्ड फील नहीं होती, हाँ, और पिक्चर वही, और पिक्चर में अपने को क्या दिखाया था थिएटर में कि वॉल्कर उसे छीन लेती है और इसको दे देती है और ये चलाया जा रहा है, फिर तो ये उसका सीन हो गया। ओके मतलब बहुत बड़ा कॉन्टिन्यूटी एरर हो जाता है, मतलब कोई भी छीन के लेके चल जाए, मतलब अरे कॉन्टिन्यूटी एरर समझ, मतलब ये कितना बड़ा प्लॉट होल है। हाँ, ये उसने उठाया ज्यूस गॉड्स का राजा, गॉड्स का राजा, तुम उसकी, और उसको तुमने उसी के लाइटनिंग बोल्ट से मार दिया। हाँ, और उसकी सिटी में घुस के, और बाकी सारे गॉड्स क्या कर रहे हैं, मतलब इस चीज से तुम इमेजिन करो कि फिर अपने को जो सिटी के अंदर दिखाया था उसमें से कितनी सारी चीजें नहीं थी पहले से प्लान। जैसे एक और दूसरा डिलीटेड सीन है, वो लोग जब उस सिटी में जाते हैं ओमनीपोटेंट सिटी में, तो सबसे पहले वहां पे उनको ज़ूस का सबसे यंगेस्ट बेटा मिलता है, और उस पूरे सीन के अंदर माइटी थॉर कहीं नहीं है, बस वॉल्कर ही है, कॉर्ग है, और ये तीनों है, तो मतलब वो कहां गई, मतलब ये क्वेश्चन इंक्लूड ही नहीं किया इसमें। हाँ अबे वो टाइका वटीटी वहीं सेट पे ही स्क्रिप्ट लिखा। हां उसने कहा एक काम कर, वो पेज ले गया मेरे पास से, वो ऑफिस में रखा, ड्रॉर खोला, उसके अंदर पेन रखा होगा, एक पेज रखा होगा, वो भी लेके आना, काला वंद लाला नीला लेके आना, ठीक है। अब इसका ऐसे करता है, ये काट दो यार, ये क्या इसमें जेन फॉस्टर का है, वेयर इज फीमेल पावर, नारी शक्ति किधर है, इसको काटो, किसने लिखा है। अब मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो जो ज्यूस वाला तुम शॉर्ट देखोगे ना तो तुमको रियलाइज होगा कि कितनी बड़ी मतलब उसके कैरेक्टर को ही खत्म कर दिया उन्होंने। और इसी मूवी को लेके वो बंदा इंटरव्यू दिया था, ठीक है, कि अगर कोई डिलीटेड सीन में कट होता है मतलब वो मूवी के लिए गुड इनफ नहीं है, इसीलिए कट होता है, ऐसा बोलने का मतलब था उसका। जबकि वो सीन भाई पूरे ज्यूस ने जो पूरा जोकर सर्कस दिखाया वो सबसे मतलब बेस्ट, वो इकलौता सीन हो जाता है ऐसा। और रही बात माइटी थॉर वहां पे क्यों नहीं थी, मे बी उसका अलग से प्लेट शूट किया होगा, उस दिन नहीं आई होगी वो सेट पे, हो सकता है ऐसा। लेकिन फिर वो पूरा पूरा सीन जो है ना, पूरा सीजीआई उसका अनफिनिश्ड है, उसमें पीछे टाइका वाटीटी वो ऐसा मोकैप सूट पहन के खड़ा हुआ है, ब्लू बैकग्राउंड में ब्लू स्क्रीन वगैरह दिख रहा है, तो इतना है तो फिर उसको भी तुम डाल ही देते ना, अगर अलग प्लेट था उसका, तो दो इतनी छोटी पिक्चर थे डाल दिए थे, और क्या का भी नहीं था, ये दो सीन हो गए, उसका बेटा हो गया, उसका बेटा एक्चुअल में लोकेशन उसको गलती से बता देता है कि बाप वहां मिलेगा, वो गोल्डन टेम्पल के अंदर ऐसा। तो बेटा कौन है उसका, दिखाया आपने वो पिक्चर के अंदर एकदम हल्की सी झलक दिखा दी, टाइम वेस्टर वाला डिलीटेड सीन जब चोटी पे बैठ के वो तपस्या, हाँ, वो नंबर 3 वाला है कि वो तपस्या कर रहा होता है और ये आता है अपना स्टार लॉर्ड और वो आती है मैंटिस आती है, तो वहाँ थोड़ा कॉमेडी है कि कर रहे तो मैंटिस कर रही है ऐसा आवाजें निकाल रहे हैं, वो स्टार लॉर्ड उसको बोलता है चल
तो थॉर बोलता है, थॉर रिस्पांस नहीं देता, बोलता है कि अब मैं लड़ाई नहीं करेगा, सुपर हीरो खत्म है। तो स्टार लॉर्ड उसको बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, और मैं बचाऊंगा तो मेरे पुतला लगाएंगे वो लोग, मेरी पूजा करेंगे। तब ये उठ के बोलता है कि नहीं मैं भी आ रहा हूँ करके चलो। अच्छा अच्छा, तो मतलब इससे एक और चीज दिखती है ना कि थॉर अपना मेन हीरो है, ठीक है अच्छा बंदा, लेकिन वो भी लोगों की क्या बोलते हैं, थॉर को बेसिकली डम कर दिया आपने। हाँ बहुत डम है भाई, बहुत डम कर दिया, इतना इनकॉम्पिटेंट बना दिया उसको। डम का सबसे बेस्ट बोलू क्या, जो अगला सीन है, और थैंक गॉड उन्होंने कट कर दिया, वहां से वो उतरता है नीचे आता है, ठीक है जोक मोड में ही है, लाशें पड़ी हुई है, बंदा ऐसा मरा हुआ है, और उसको देख के उसको जोक मारे जा रहा है, एक बंदा अपने हाथों में हथेड़ियां पकड़ा हुआ उसको देख के जोक मारे जा रहा है थॉर, तो ये वो डाल देते तो शिट मतलब डार्क हो जाता भाई। वही तो मैं बोल रहा हूं क्या कर रहा है भाई तू, ये अच्छा वो कट कर दिया इसको, शिट यार, तेरे ये ज़ैक स्नाइडर बनाने वाला है थॉर के ऊपर पिक्चर, अभी तुमने सुना क्या, मैंने सुना की मतलब ये वापस आ रहे हैं बेन एफ्लेक वाले बैटमैन, और ये सुना क्या तुमने, ये वॉर्नर ब्रदर्स ने अपने चैनल पे वो डाल अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डाला था स्टोरी पे, डू यू ब्लीड करके बैटमैन का, बेन एफ्लेक के बैटमैन का। देखो वो मेरे को लगता है बेन एफ्लेक आ जाएगा, सुपरमैन भी आना चाहिए क्योंकि उसी को उसने डायलॉग बोला था ना, मेन चीज तो वही है, अगर बेन एफ्लेक का बैटमैन आ रहा तो सुपरमैन क्यों नहीं आ रहा, फिर तो और बैकलैश होगी भाई उसपे, वही अब फ्लैश लाएंगे हो गया उसका काम, ठीक ना काम। अच्छा तुमको क्या लगता है कितने परसेंट चांस लगते हैं तुमको कि ब्लैक एडम में अपने को सुपरमैन या उससे रिलेटेड कुछ देखने मिलेगा, ईमानदारी से पोस्ट क्रेडिट सीन में, अगर अगर सुनो अपने द रॉक भैया ने एकदम वैसा क्या बोलते हैं पिछवाड़ा एकदम से टाइट करके जोर लगा दिया है पूरा, समझ रहे हो, इन्फ्लुएंस यूज कर लिया, तब मे भी शायद पोस्ट क्रेडिट सीन में दिख जाए, ठीक है बस, वरना चांसेस तो कम ही लग रहे हैं। तुमको भी पता है मैं चाहता तो हूँ लेकिन मेरा दिल कह रहा है यार क्यों उम्मीद मत रखो, मतलब क्यों भरोसा कर, डोंट गिव मी होप, शूटिंग खत्म हो गई और अब वो 4-5 एक साथ शूट करेंगे एक साथ, बढ़िया है बनाओ तुम वो, और वो इधर से ये मेरे को नहीं लगता, आई डोंट थिंक सुपरमैन नहीं आएगा वो, प्रमोट कर रहा था, लेकिन जब उसने स्टेज पे बैठ के ये चीज बोली ना, कौन में बोल दिया ना उसने कि हु डिपेंड्स कि कौन सा रॉक और कौन सा सुपरमैन है, और उसके बाद उसने फिर वो लीग ऑफ सुपर पेट्स में भी अपना वो पोस्ट क्रेडिट और वो सब दिखा दिया ना, तो फिर मेरे को लगा कि यार ये तो क्योंकि जब इंटरव्यूअर कोई होता पूछ रहा है ना तो लंबा सोच क्यों रहा है भाई, देखो दो बात होगी, चाहे तो तू बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है कि 8 सेकंड का सोच के बोल रहा है, या फिर कुछ है नहीं, या कुछ बोल नहीं सकते तुम, उसको उसको फिर वार्नर ब्रदर्स का मेमो याद आ गया होगा कि क्या, क्योंकि अगर कुछ करना है तो डीसी की यही तो एक पिक्चर है इस साल भाई, सही में ये मूवी है डीसी की, इसके बाद नेक्स्ट मूवी कब रिलीज हो रही है डीसी की 2023 में, शज़ाम शुरुआत में सीधा या फेब्रुवरी मार्च में, अभी डिले करी थी ना, हाँ तो वही डिले हो पा रही है, जैसे शज़ाम फ्लैश है जुलाई में, सुनो शज़ाम दिसंबर में थी ओके, उसको 3 महीने आगे ढकल दिया मतलब फेब्रुवरी मार्च कर दिया, फिर मिड में अपने को फ्लैश दिखेगा और एंड में अपने को एक्वामैन दिखेगा, एक्वामैन अगले साल की स्टार्टिंग में था उसको सीधा एंड में डाल दिया, एंड में कर दिया वो, मेरे ख्याल से उसके उसको रीशूट करेंगे, क्या रीशूट नहीं करेंगे, शज़ाम एक ऐसा सेफ बचा हुआ, अगला अगला साल भी हो गया ऑक्यूपाइड भाई, हाँ देखो बेसिकली क्या 2023 भी गया और उसके बाद ब्लू बीटल है अगले ही साल आनी है, नहीं वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आएगी 2024 में आएगी, अभी तो शूट हो रही है वो, बेसिकली मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ये लोग अगले फैंडम में कुछ अनाउंस करेंगे, अच्छा तो डोंट गिव मी होप, अब मैं अगले फैंडम का बोल रहा हूँ, होप नहीं दे रहा मैं, बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो इनका प्लान है ना, जैसे एक्वामैन को अगर आपको डिले, चलो मान लिया आपकी जेब में पैसे नहीं, ठीक है तो भी आप एक्वामैन को कितना डिले करो, एक साल पूरा अगले दिसंबर में पटक दिया आपने उठा के, सोचो आने वाली थी भाई भाई, भाई। बाजू में सही में
ऐसा लग रहा था हाँ दिसंबर में तो एक्वामैन, फिर क्या मार्च, चलो मार्च में तो एक्वामैन है। अबे वही हर दो महीने में ट्रेलर आने का डेट उसका ड्यू हो रहा था, तुम अगले साल दिसंबर में डाल दिए। तुम सोचो अवतार के साथ क्लैश हो रही थी वो, कि दो पानी वाली पिक्चरें आ रही है एक साथ। नहीं नहीं एक्वामैन तो अगले साल थी, मार्च में थी। नहीं एक्वामैन मार्च में बाद में हुई थी, पहले दिसंबर। हाँ वही वही, मतलब बहुत पहले दिसंबर में थी, फिर उसको और शज़ाम को आगे पीछे कर दिया था उन्होंने। फिर जब अवतार की डेट आई थी ना, तो फिर उसको शज़ाम को भी पीछे खींचा, पीछे तक लो पीछे करो, फिर बाद में लगा पैसे ही नहीं है जेब में। अब जो उम्मीद थी डीसी फैंस की, इस साल तो खत्म छोड़ दो, अगला साल भी खत्म छोड़ दो, 2024 में, 2023 में अनाउंसमेंट्स होंगी, 2024 में कुछ बड़ा अगर हो सके तो बैटमैन सुपरमैन वंडर वुमन टाइप कुछ ऐसा देखने को, क्योंकि वंडर वुमन रिन्यू होगी। थ्री नहीं, वंडर वुमन थ्री तो बनेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन 2024 प्रोबेबली बड़ा हो सकता है, 23 नहीं, 23 का जो होना तो भाई है ही, एक साल में डीसी तीन पिक्चर रिलीज कर दे रहा, वही करने का प्लान है, कर दे रहा नहीं, करने का प्लान है। मेरे ख्याल से 2024 भी नहीं, 2025 मानो नहीं, क्योंकि 2024 का एक ही ब्लू बीटल लगा छोड़ेंगे। नहीं कुछ वो मेरे ख्याल से कुछ तो आएगा, लेकिन चाहे तो अगर कन्वीनियंट वाला रास्ता चुनेंगे तो वंडर वुमन 3 बना, शायद शायद अगले साल अपने को और भी अनाउंसमेंट सुनने मिलेंगे, हो सकता है फैंडम पहले करते कि 2024 में ब्लू बीटल वंडर वुमन आ रही है, आप इतने में एडजस्ट करो, 2025 में, 25 में हम आपको देंगे। 20 साल का हो जाऊंगा भाई मैं, अभी अभी अगले महीने हो रहा हूँ 25 का, तुम ऐसा कर रहे हो कि 3 साल बाद मैं 25 का हो जाऊंगा भाई, मेरे को कैसा लगना चाहिए? कुछ नहीं बदलता भाई, सब वही रहता है, वही भी उसी कुर्सी पे बैठे हो, तब भी उसी इसी कुर्सी पे बैठे रहोगे, 25 साल बाद भी वही उधर ही बैठे रहोगे, यही यही बकचोदी चलेगी, यही सुपरमैन आएगा, हेनरी कैविल आएगा भाई। तुम सोचो, 25 में अपन एवेंजर्स देखेंगे ठीक है, और यहाँ ये लोग अभी बैटमैन आएगा। 25 में कि 24 में? 25 में ना, एवेंजर्स 25 में, दोनों 25 में। मेरे को लगता है एवेंजर्स 1 डिले होगी, सीक्रेट वॉर्स डिले करेंगे। हाँ यार 6 महीने में मेरा भाई नहीं बन सकती यार, बैक टू बैक शूट करो तो। अरे नहीं, डायरेक्टर्स उन्होंने अलग कर दिए ना। हाँ डायरेक्टर्स अलग है। अरे तो फिर तो कैसे बनेगी, कहाँ से बनेगी? मेरे को नहीं छोड़ो, तो कनेक्टेड नहीं रहेगी फिर मेरे ख्याल से उतनी। हाँ कनेक्टेड नहीं होगी ये बात हो सकती, लेकिन भाई एवेंजर्स दोनों पिक्चर का नाम है, कैसे कनेक्टेड नहीं होगी? आपकी दो सबसे बड़ी पिक्चरें आ रही हैं। क्या लगता है ये एवेंजर्स में अब कौन मरेगा बड़ा? ऐसा कोई सेटअप भी नहीं किया उन्होंने कि हाँ भाई थॉर को मार देंगे, थॉर को मारेंगे लव एंड थंडर के बाद तो। देखो नहीं यार, देखो, एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत पीछे पीछे मैं गया। हाँ गया पीछे, हाँ नहीं नहीं करो, मेरे साथ बैठ जाओ, रुको मैं तक, ये भी ठीक है, जाओ जाओ तब तक, अपन है ना टेंशन नहीं लेने का, अपन क्या बात करेगा, मैं भी यही हूँ कहीं गया नहीं, तुम भी यही हो, कोबरा का एक स्पॉइलर मारो क्या, आ गया मैं, ये यार मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, क्या कुछ नहीं हो जाएगा, और डीसी अपने सुपरमैन बैटमैन वंडर वुमन को ही लेकर नहीं आगे बढ़ पाया भाई, उनको लेके तुम एक प्रॉपर तरीके से एक पिक्चर में तो लेके आओ, सोलो में अटके हुए, सेटअप नहीं हुआ है भाई, जस्टिस लीग बात छोड़ दो भाई, तुम बात ही छोड़ दो जस्टिस लीग भाई तुम बात कर रहे हो, वो तो अगले जन्म का सपना लगता है। अबे तुम सोचो 2016 में आई थी ना, मतलब भाई अब डीसी फाड़ देगा, अब डीसी फाड़ देगा, बैटमैन वी सुपरमैन 2016 में आई थी ना, अब डीसी फाड़ देगा, 22 हो गया है अबे, वो वही देख लो ना कि भाई वार्नर ब्रदर्स से संभला नहीं जा रहा है, वो AT&T को बिक रहा है, फिर उसका HBO मैक्स का मर्जर हो रहा है, ठीक है फिर कहाँ जाएगा वार्नर ब्रदर्स, कौन का कॉमकास्ट खरीदने के चक्कर पड़ा हुआ, कॉमकास्ट खरीदने के चक्कर पड़ा हुआ था, भक्ति चल रही है, फिर डिस्कवरी, फिर अचानक से डिस्कवरी से मर्जर हो रहा है। सोचो उसी के बीच में इसके प्रेसिडेंट वार्नर ब्रदर्स के दो बार बदल चुके हैं, तुमको याद एन सैंड्रॉफ बनी थी एक फीमेल, उसने भी रिजाइन कर दिया कि भाई हमसे नहीं होगा। अरे वही ना यार, और मतलब मजाक नहीं है भाई, क्या 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 प्रॉपर्टीज है तुम्हारे पास, साला ढंग से बनाओ तुम, साला यार MGM की तरह मैं बता रहा हूँ, ढंग से नहीं चले ना, एसेट्स बेचने पड़ जाएंगे, लास्ट में फिर आधा एक फ्रेंचाइज बचेगा, डीसी अलग हो गया, वही पता चल रहा है डीसी को डिज्नी खरीद रहा है, इस हालत में तो खरीदे ले भाई यार कम से कम भाई तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लोग यहाँ एक्समैन और एवेंजर्स का क्रॉसओवर वेट कर रहे हैं, पता चला सीधा डीसी, तुमको क्या लगेगा हॉल एच में केविन फाइगी दो बार आएगी, फिर ना फिर वो बैटमैन जो लेट के मार जोक मार रहा था ना, समथिंग इज डेफिनेटली ब्लीडिंग, वो हर दो मिनट में आएगा, वो बोलेगा हम बैट गर्ल रिन्यू कर रहे हैं, ठीक है एक्सटेंडेड क्या बनी बनाई पिक्चर है, सिटकॉम बनेगा, बैट गर्ल का सिटकॉम बनेगा, बैट गर्ल असली जिंदगी में हैकर होती है ना, हैकिंग करेगी वो, मस्त
हैक करी एकदम कंप्यूटर हैक करके. फिर पता है इक्वल पेस के जोक होंगे उसमें. सही में. अरे सुनो सही, वो अपन बात क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एवेंजर्स. हाँ तो मतलब एनर्जी ला क्या है, एनर्जी. मैं बात क्या कर रहा था कि हाँ. जो एवेंजर्स की जो सीक्रेट वॉर्स है ना हाँ. तुम एक मरने की बात मत करो, मेरे को ऐसा लगता है प्रोबेबली पूरा रिबूट होगा इसके बाद. अच्छा, ये जो सारे एक्टर्स वगैरह भी बदल देंगे फिर वो लोग. हाँ, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका सब वापस आएंगे. नहीं, मतलब ये तो ठीक है ना, जैसे अभी जो चल रहे हैं फोरफ्रंट बेनेडिक्ट कम्बरबैच, अभी फोरफ्रंट में उनको रखेंगे. मेरे ख्याल से तब तक डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ जाएगी एक और. हाँ, आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी भाई. उसका उसकी मूवी को आपने एंडी इनकर्जन्स के नोट पे किया था. एवेंजर्स के आसपास ही आनी चाहिए वो भी. हाँ हाँ हाँ, एवेंजर्स के आसपास आनी चाहिए. वो जो फेज सिक्स में खाली पड़ी हुई ना, उसमें से एक डॉक्टर स्ट्रेंज होगी. डॉक्टर स्ट्रेंज भाई इस बार मत काट. हल्क के बारे में सोच रहे हैं तो बताएं क्या चल रहा है इधर. हल्क की पिक्चर, क्या पता चलेगा कि एवेंजर्स सब खत्म हो गई, अब फिर फेज सेवन की शुरुआत हल्क. कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर मतलब फिर पता नहीं यार. समझ लिया था. अभी देखो हल्क अभी कुछ देखने को नहीं मिलेगा कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तक. जैसे अभी क्या लगता है अगले कॉमिक कॉन में रिलीज करेंगे क्या जो अनाउंस किया पहले वो तो निकालो, पता चले कैसा निकल रहा है. सीक्रेट वॉर्स को 2026 में शिफ्ट करेंगे. D23 में क्या वो अभी इंटरव्यूज देख रहा था बिहाइंड द सीन्स वाले, तो उसमें बता रहे थे थंडरबोल्ट्स को कि मतलब कि उन्हें अलाउड नहीं है ये भी बताना कि उन्हें स्क्रिप्ट मिली है कि नहीं मिली. हाँ वो तो रहता ही है. और ये भी अभी पता चल रहा है कि ज़ीमो मतलब रूमर है. हाँ, ज़ीमो रहेगा उसमें. मेरे को वही लगता है कि ये एक टीम दिखाई है अपने को, उसकी ऑपोजिट जो टीम होगी ना उसका हाँ. ज़ीमो लीडर होगा, विलन वाली टीम. अच्छा, पर एक चीज समझ में नहीं आई, चार तो सुपर सोल्जर है, पांच है भाई. पांच है, पांच कौन है? रेड गार्डियन हो गया. हाँ, और रेड गार्डियन येलेना हो गई. वो अरे बकी अपना हेल हाइड्रा वाला क्या बकियर, कैप्टन अमेरिका वाला. हाँ, वो जॉन वॉकर. हाँ, जॉन वॉकर. और एक आखिरी में टास्क मास्टर. हाँ, टास्क मास्टर येलेना सुपर सोल्जर है. सुपर सोल्जर है येलेना, सुपर सोल्जर नहीं है. वही मैं पूछने वाला था ना, उसी जगह से निकली है ना. अरे वो निकली है, पर वो अलग था ना. वो जैसे ब्लैक विडो सुपर सोल्जर नहीं थी ना. वही तो येलेना भी नहीं है. पांच बंदे सेम तरीके का काम. हाँ, मतलब यही है. ले देखे मामला डाइवर्सिटी के नाम पर. नहीं भाई, डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी क्या है? तुम औरत और मर्द गिन रहे थे, तुम खुद बोल रहे डाइवर्सिटी नहीं है उसकी. मैं नहीं गिन रहा था, मैं कुछ और गिन रहा था. ठीक है, क्या गिन रहा था? मैं कुछ और गिन रहा था. क्या गिन रहे थे? पांच. नहीं, मैं नहीं बता सकता. ठीक है, फिर वही हो जाएगा ना, रूल नंबर 34. एक दो तीन चार पांच छह. पांच, मैं वही बोल रहा हूँ, पांच बंदे सेम काम कर रहे हैं. एक उम्मीद है गोस्ट से मेरे को. हाँ, वो कुछ अच्छा काम, वो भी सेम काम ही करेगी. क्या करेगी? सेम क्या करेगी? आदमी के आर पार घुस के बाहर देगी उसे. और क्या तुमको लगता है? पता नहीं यार, अभी मतलब सीन भी समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है. पता नहीं मार्वल वालों को इस पिक्चर को ब्लैक विडो 2 नाम क्यों नहीं दिया गया. मेरा बस एक सवाल है भाई. अबे मतलब एक तो एस्टैब्लिश्ड आईपी हो जाती है ना. हाँ, ब्लैक वीडियो का पार्ट 2 आ रहा है. वही ना, तो फिर चल जाता पिक्चर उसी में. तो इन लोगों का थंडरबोल्ट से ठीक है. बता है, इस इन सारी पिक्चरों के साथ ये लफड़ा क्या होता है कि बड़ा रहता है, कॉन्फ्लिक्ट में रहती है कि मतलब मजा नहीं आने वाला. इस तरीके की पिक्चर में मैं चाहता हूँ सब कुत्तों की तरह पेले जाए. ये तुम पहले भी किसी पिक्चर के लिए बोल रहे हो? द सुसाइड स्क्वाड. नहीं, उसमें नहीं बोला. अच्छा, किसी और बोला था. उस पिक्चर क्या, उसमें कुत्तों की तरह पहले गए थे? कौन सी पिक्चर बोल रहा था? सुसाइड स्क्वाड नहीं बोला. अच्छा, क्या अभी तक तुमने कोई एक पिक्चर देखी है जिसमें कुत्तों की तरह हुई हो? हुआ तो नहीं है भाई. इसमें भी नहीं होगा. अभी तो जैसे तैसे हिम्मत करके उन्होंने इंसानों का थोड़ा ऐसा दिखाया है. आगे चल के फिर मेरे को लगता है अबोमिनेशन ज़ीमो के साइड में होगा. पहले वो इसमें से देखो, अगर अपन उसके उसको जिंदा करने का मतलब ही क्या होता है फिर? अबोमिनेशन नहीं, अबोमिनेशन को वापस. देखो ये बात तो बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि थंडरबोल्ट्स पहले आ रही है कि कैप्टन अमेरिका पहले आ रही है. थंडरबोल्ट्स तो फेज 5 की लास्ट बाद में आ रही है, कैप्टन अमेरिका पहले आ रही है. तो कैप्टन अमेरिका से ये लोग हल्क का वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वो लीडर भी आ रहा है.
और मेरे ख्याल से उसमें शीहल्क भी अपीयर होगी और अबोमिनेशन भी आएगा। शीहल्क क्या करेगी वहां पे? खून देगी ना अपना ब्लड डोनेट। मेरे को लगा जोक मार। ये उस वाली मूवी से रेड हल्क को डालेंगे, रेड हल्क को सेटअप करेंगे। रेड हल्क को सेटअप करने के बाद अपन जो है थंडरबोल्ट्स में रेड हल्क को देखेंगे जो शायद मेन विलन हो सके। अच्छा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो तो सुपर ह्यूमंस के अराउंड ही होगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो सुपर सोल्जर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे देखना कुछ होगा ऐसा कि उसका ब्लड ले जाएंगे वो। एक अटेम्प्ट कर ही दिया ना उसके ऊपर, इंजेक्शन नहीं घुसा पाए, एक अटेम्प्ट तो मार ही दिया ना उसके। वही 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 सब बोले शीहल किस तकी इसकी उसकी। फिर क्या पता वो खून उन दे के फिर वापस जा रही है। ठीक है, तुम सवाल मैं तो शीहल का ही, वही मैं तो केस लड़ेगी बस, मारा मारी करने के बाद अगर कोर्ट में किसी को आना है तो आ जाना, आ जाना, मैं रिप्रेजेंट कर लेगी, लेकिन अच्छी साइड होनी चाहिए। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि ये होगा और वो जो वो मूवी कैरी फॉरवर्ड होगी थंडरबोल्ट्स में is what I think. नहीं, abomination नहीं तो red हल्क वाला कुछ होगा। Maybe ऐसा भी हो सकता है ना कि अभी Thunderbolts की पूरी टीम ना दिखा सकते हो ये लोग for creative reasons, क्योंकि अभी तक वो स्टोरी सेटअप नहीं हो रही है। जैसे शीहल्क को भी अभी से इसमें दिखा दिया तो फिर बहुत सारी चीजें और भी रिवील हो जाएंगी ना। नहीं मतलब लोग तो जुगाड़ पानी निकाल ही लेते हैं, क्या थी मार्वल्स का, अपन वहीं क्रैक कर लिए थे इन्फिनिटी वॉर के एंड वाला शॉट है, सब भाग दौड़ के आ रहे, तो वो ना कर रहे हो अपने साथ यहाँ पे कि रिवील करके, क्यों मोटी मोटा हिसाब तो अपन क्रैक कर ही लेते हैं कि होड़ी क्या। हाँ मतलब जैसे अभी मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ एंट मैन 3 के लिए बहुत ज्यादा, मतलब भयंकर। तो अभी उसमें मतलब मेरे को ये देखना है कि कैंग का कौन सा वेरियंट है उसमें। मैं अपनी मेन कैंग तो नहीं होगा, मैं अपनी उम्मीदें ऐसा थोड़ा। तो क्या लगा वो मेन कैंग लोकी में आएगा, वो होगा क्या? नहीं, लोकी में भी आएगा, वो भी वेरिएंट आएगा उसका। मेन कैंग हो सकता है क्वांटमेनिया के एंड में हमें देखने मिले, मे बी कि वो लोगों ने एक कैंग को हरा दिया, सेटअप कर सकते हैं ना कि मतलब ये कैंग हरामी है लेकिन लोकी का और भी हरामी है, ओरिजिनल नहीं है और भी, लेकिन कैंग डायनेस्टी का सबसे हरा। भाई कैंग डायनेस्टी में कोई भरोसा नहीं कि मतलब सारे सुपर हीरोज अलग अलग कैंग से लड़ रहे पता लग रहा है। वही, और ऐसे तुम इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा कि हाँ कैंग इतना है लेवल का, लेकिन इससे भी ऊपर एक और, मतलब मस्त हो सकता है कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन फैसिनेटिंग है बस। नहीं पर पता है मेरे को लगता है एंटमैन जो है ना, एंटमैन थोड़ा सा बेटर होगी जो अपन ने अभी तक मूवीज देखी। उसका रीजन ये कि जैसे थॉर लव एंड थंडर किसी ग्रेटर पर्पस को सर्व नहीं कर रही, तो इसलिए उसके साथ उन्होंने कर दी। मैं इसको पता कैप्टन मार्वल लेवल पर रखना पसंद। नहीं मतलब उसके लेवल में नहीं रख, मतलब ऐसे कुछ कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो थी मार्वल की बैड मूवीज ठीक है उस पेटी में रखूंगा। क्या थॉर लव एंड थंडर को? मेरे लिए पर्सनली कैप्टन मार्वल बेटर है थॉर लव एंड थंडर। कैप्टन मार्वल एक, देखो कैप्टन मार्वल एक ओरिजिन स्टोरी है है ना, तो ओरिजिन स्टोरी के साथ आपकी वैसी आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकते, आपको ओरिजिन तो बताना ही है उसका, लिमिटेड होते हो। तो ऐसे में आपके पास एक ऑलरेडी, आप किस चीज को किससे कर रहे हो, ओरिजिन स्टोरी को पार्ट फोर, एक एक एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर की पार्ट फोर चौथी मूवी से कंपेयर कर रहे हो वो मार लेने के बाद। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट में था ना कि उसको सेम लेवल पे नहीं रख रहा हूँ। एक बॉक्स है मार्वल मूवीज की बैड मूवीज का, उस बॉक्स में दोनों रखता हूँ। राइट, असली डिबेट ये निकलता है कि थॉर द डार्क वर्ल्ड और लव एंड थंडर। अबे वो बेहतर लगती है बे, थॉर द डार्क वर्ल्ड बेहतर लगती है सही में यार। अभी मतलब अभी लोग ब्रह्मास्त्र बेटर निकल के आ गई, पता है इस साल की मेरे ख्याल से डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर दोनों से बेटर लगी मुझे। ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन के साथ क्या लफड़ा चल रहा भाई? अरे यार देखो, अब उसके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है माल मेगा पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मतलब मेरे को भी लगा कि बैक टू बैक वही हो जाएगा, इसलिए मैं उसको होल्ड पे रखा हूं। बट कल फिर लोगों को ये भी लगने लगता है कि आप उस चीज को क्यों जस्टिफाई कर रहे हो। हाँ जस्टिफाई नहीं, मैं चीजें सामने रख देता, अच्छी चीजें भी बोलता, बुरी चीजें भी हैं उसके बारे में वो भी बोल देता। वही ना कि लेकिन यार लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको लेके जो पैशन फील हो रहा है ना मेरे को ऑडियंस के अंदर, अब जैसे मैंने एक वीडियो बना दिया उसके अंदर बोल दिया कि अच्छा रिकॉर्ड है ठीक है, लेकिन उतना ब्रेकिंग नहीं है जितना मतलब वन ऑफ दी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी से तुम एक्सपेक्ट करते हो ठीक है ना। अबे इस पे तो लोग ट्विटर पे आके गाली देने लगे वे कि तेरे को आता नहीं है, कुछ पता नहीं है तो वीडियो क्यों बनाता है, ऐसा बोल रहे सीधा। मतलब ठीक है भाई, अब उसके कलेक्शन को लेकर दिक्कत क्या हो गई है ना कि जितना मेरे को पता है बॉलीवुड के अंदर नॉर्मली नेट बॉक्स ऑफिस काउंट होता है ठीक है। अच्छा, टिकट जो तुम्हारा प्राइस होता है वो ग्रॉस हो गया टोटल कलेक्शन, उसमें टैक्स माइनस करो तो नेट आ जाता है।
Right. और नॉर्मली बॉलीवुड मूवीज का, हिंदी मूवीज का नेट ही वो लोग नॉर्मली बोलते हैं और वो इंटरनेट पे आसानी से मिल भी जाता है, पर डे तुमको अलग अलग मिल जाएगा. ग्रॉस उतनी आसानी से नहीं मिलता, ग्रॉस की वैल्यू भी नहीं है ना, ग्रॉस का करोगे वही टैक्स उसमें कट गया ना. साउथ के अंदर से वो लोग ग्रॉस मतलब ज्यादा कोट करते हैं, ऐसा नंबर बड़ा, नंबर बड़ा दिखता है वो. जैसे RRR की तुम ओपनिंग देख लो, जब उन्होंने पूरा कर दिया था कि एक दिन के अंदर 200 करोड़ या जितनी भी कमाई, तो ग्रॉस कलेक्शन था, ठीक है. साउथ का ये हो गया. और ये मूवी जो है ना इंटरनेशनल में अच्छा कमाई पहले 3 दिन के अंदर, क्योंकि डिज्नी ने रिलीज दिया इसको, राइट, ज्यादा स्क्रीन्स दे दिया, थोड़ी मार्केटिंग वगैरह कर दी होगी, तो इसीलिए. अब इसमें दिक्कत क्या हो गया ना कि तुम एक सोर्स पे जाओगे तो वो कहीं का नेट कोट कर रहा है, वो कहीं का ग्रॉस कोट कर रहा है, वो कहीं का सिर्फ हिंदी वर्जन कोट कर रहा है, नेट में हिंदी और नेट में साउथ, समझ रहे हो, राइट. तो इसलिए तुमको है ना दिखेगा कि नंबर्स मैच क्यों नहीं कर रहे, और इसके कारण बहुत लोगों को लग रहा है कि कलेक्शंस फेक है. हाँ, तो ये लफड़ा है उसका. जैसे पहले 3 दिन का हिंदी उसका आया था 106 करोड़ कुछ तो आया था, ओके, ठीक है. और ऑल लैंग्वेजेस का नहीं, सिर्फ हिंदी, सिर्फ हिंदी का. और उसमें तुम साउथ का नेट ऐड कर दोगे तो 125 जाता है, राइट, ऐसा. और उसमें तुम फिर ग्रॉस ऐड करोगे वर्ल्ड वाइड, इंडिया का एक ग्रॉस ऐड करोगे तो और थोड़ा जाता है, फिर तो ग्रॉस की वैल्यू नहीं है ना, ग्रॉस का नहीं छोड़ दो, वर्ल्ड वाइड. लेकिन जब वर्ल्ड वाइड तुम कोट करते हो तो पूरा एक ग्रॉस बताते हो, क्योंकि बाहर से भी ग्रॉस ही अमाउंट आता है. तो वो इसका 225 करोड़ था 3 दिन के अंदर, ऐसा. तो वो मतलब चारों तरफ फैला रहे थे कि 3 दिन में इतना कमाया, इतना कमाया. और वो बॉलीवुड के लिए शायद हाईएस्ट है किसी भी मूवी के ओपनिंग वीकेंड के लिए, अच्छी बात है. लेकिन वहीं पे अब तुम अब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, दूसरे रीजन की मूवी ले लो. KGF 2 नहीं बात करूंगा क्योंकि पार्ट 2 है वो, ठीक है ना. पार्ट 1 ने सेटअप कर दिया, बेस बना दिया, बट RRR भी तुम लेते हो, वो पहली पार्ट थी तो नहीं है भाई, बहुत गैप, बहुत ज्यादा है. बहुत ब्रह्मास्त्र बहुत ऊपर है, ब्रह्मास्त्र नीचे है RRR, बहुत नीचे है RRR से. नहीं, RRR की हाइप बहुत अच्छी थी यार, नहीं उसके बाद में भी हाइप बहुत अच्छी थी जब नेटफ्लिक्स पे आई, राइट. हां मतलब RRR तो बहुत अलग कैटेगरी की मूवी है. मतलब मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो बॉयकॉट ट्रेंड वगैरह चल रहा था ना उसने इम्पैक्ट किया है पिक्चर को, नहीं इम्पैक्ट ब्रह्मास्त्र को डेफिनेटली. और बॉलीवुड का जो पूरा साल भर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसने भी ब्रह्मास्त्र को ऐसे नीचे खींचने का काम किया. अगर वो नहीं होता ना, नॉर्मल सब कुछ चल रहा होता तो पिक्चर डेफिनेटली और ज्यादा कमाती. ऑडियंस भी उन्होंने लगती है कि हर 3 पिक्चर तो देख कर आया हूँ, अच्छी है. कितने लोगों के सामने बोलता हूँ तो बोलते बॉलीवुड में देखना ही छोड़ दिया, अब देखता ही नहीं हूँ. हाँ, ये मैंने भी आ गया है, सीरीज वगैरह में लगे रहते हैं. नहीं, प्लस अभी एक चीज ये भी हो गई ना, जैसे मान लो कि जैसे अपन उस दिन बात कर रहे थे कि अगर आपने कोई ट्वीट देखा है जो मूवी को ग्लोरीफाई कर रहा है, मूवी के बारे में अच्छा बोल रहा है, तो उसके नीचे आपको सारे नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे. और अगर कोई मूवी के बारे में बुरा बोल रहा है तो उसके नीचे आपको सारे मूवी को लेकर पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे. ये मतलब एकदम पोलैरिटी है कि भाई एकदम मतलब ओपिनियन लोगों का ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं मूवी ठीक थी, मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी बहुत घटिया थी, ये है. तो वो बहुत खतरनाक ओपिनियन बने हुए भाई लोगों के इस बार. तो नहीं, वो मैंने भी अपने लेटेस्ट वीडियो में ही बोला था कि मेरे को ऐसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अंटिल अनलेस कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप काम ना करो. हाँ, बॉक्स ऑफिस पे, ठीक है. मेरे को वही है कि पिक्चर पसंद आई, ठीक है, तुम अपना ओपिनियन रखो अपने पास, ठीक है, मैं पूरी तरीके से इज्जत करता हूँ, बस लफड़े मत करो, बस कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, मेरे को अच्छा लगा, बुरा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे का भी सुनो भाई. तो मेरे को मूवी अच्छी लगी बेसिकली. मूवी के देखो फ्लॉज जो है वो बहुत ऑब्वियस है, वो तो है, पर मतलब मेरे मैं मूवी को इसीलिए वो करना चाहता हूँ क्योंकि अपने कुछ नया ट्राई किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया. तो अभी मतलब ये कि उसके सेकंड पार्ट को लेके बड़ा एक्साइटमेंट है भाई. अरे जरूर, नहीं सोशल मीडिया पे एक जो मतलब मजाक में ही बोल रहे हैं, ठीक है, जो उसके VFX को लेके लाइटिंग वगैरह से कंपेयर कर रहे हैं, वो मेरे को ऐसे इधर दर्द होता है भाई, इधर इधर, क्योंकि लेजर शो जो उसको बोला था वो तो नहीं है. लेजर शो जो बोलता है ना, मजाक है भाई, लेजर शो भाई. पता है उस मूवी को आप 3D में जाके देखो, मैं बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो अभी तक का इंडिया का सबसे ज्यादा अच्छा VFX का काम है, सबसे बेस्ट. मतलब देखो, और VFX है ना, ठीक है, VFX अच्छा होना यूजुअली मार्वल मूवीज के अंदर VFX अच्छा होता है, ठीक है. लेकिन तुम देखने जाओगे तो सारी पिक्चर एक जैसी दिखती है ना, सबका कलर पैलेट, टोन वगैरह हो गया, सब एक जैसा. इसके अंदर क्या, उन्होंने एक तो VFX अच्छा किया और ऊपर से मतलब कलर्स के साथ कितना कुछ, हर एक अस्त्र को उन्होंने अलग कलर दिया डिफरेंशिएट करने के. और रणबीर कपूर का जो था उसके अंदर तुमको रेड भी दिख जाएगा, थोड़ा बहुत पर्पल ब्लू भी है, पर्पल भी है. वही मेरे को उसका वो वाला सीन बड़ा अच्छा लगता है, वो लोगों ने वो ट्रेलर्स में भी दिखाया था, प्रोमो में दिखाया था, वो जब वो यूं करके निकालता है तो वो पूरी ऐसे वॉल बनती है जो फायर की बनती है, वही वो. हाँ हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा था भाई, वो वॉल. इनफैक्ट मूवी का जो क्लाइमैक्स की जो पूरी सीक्वेंस है ना, वो जो फेज में एग्जीक्यूट होती है, वो बहुत. अभी तो अपन स्पॉइलर पे बात कर सकते हैं, अपन ने करी नहीं है. हाँ, तो वही अभी ब्रह्मास्त्र घुस जाते हैं. हाँ,
तो वो जो उन्होंने मतलब वो जो क्लाइमेक्स फेजेस में एग्जीक्यूट होता है जो उसका वो जो ट्विस्ट था ना जब वो इतना बड़ा सुजानो बना लेता है और फिर वो क्या करती है कि वो जलस्त्र निकालती है भाई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और तुम सोच के देखो, तुम सोच के देखो, अपने को स्टोरी बताई गई थी तब तक बैक स्टोरी उसके पेरेंट्स की कि उसकी मम्मी ने उसको रोक दिया वो, लेकिन अपने को ये भी अच्छा था कि ओवर एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन अपने को ये भी बताया था कि उसकी मम्मी जल के मरी है। तो मेरे को इसे एक सेकंड के लिए लगा कि उसके पास पानी की शक्ति थी तो वो जल के कैसे मर सकती है। हाँ, मैंने भी यही सोचा। लेकिन पिक्चर कंटिन्यू हो रही है तो मैं बोला अभी ठीक है पिक्चर पे ध्यान देता हूँ। और अब आगे जाके जो वो रिवील करते कि उसका अस्त्र ही नहीं था तो उसके पास, उसके पास था वही, उसके पास था ही नहीं ना भाई, और वो निकालती है ऐसा करके जल अस्त्र सीधा। और जब उसका सुसानो आया ना तो मैं वो लियोनार्डो का मीम बन गया, ये सुसानो, ये अरे। पर वो सीन बहुत बहुत शानदार था भाई। वो मतलब वो पता है मूवी का क्लाइमैक्स एक्चुअली उसका पीक है। एक स्टार्टिंग वाली सीक्वेंस शाहरुख खान वाली वो तो वो मतलब भाई मैं पता जब थिएटर में बैठा हूँ मैंने पता लोगों को बोल दिया, मेरे साथ जा रहे थे, मैंने कहा आज पहले चलना है, आज मेरे को स्टार्टिंग मिस नहीं करनी, क्योंकि मैं मतलब पर्सनली मूवी के लिए काफी एक्साइटेड था। मेरे को था कि यार मूवी में एकदम वो जो स्टार्टिंग के ट्रेलर्स और एडवर्टाइजमेंट देख लूंगा मैं 15 मिनट बैठ के, मेरे को चलेगा। और मतलब सच में स्टार्टिंग वर्थ इट थी मूवी की। शाहरुख खान आते हैं मस्त शाहरुख खान के स्टाइल में एकदम, अब वो डायलॉग्स लेकिन क्रिंजी फील होते हैं भाई। हाँ। उसके डायलॉग तू सांड है या तू जोर है और ये वो ज्यादा हो गया था। बता अगर कोई शाहरुख खान और नागार्जुन जी के लिए देखने जा रहा है भाई पिक्चर पैसा वसूल है पूरा पैसा। पर तुम अगर इनके लिए मार्केटिंग देख रहे हो कितनी तगड़ी थी। नागार्जुन का रोल कितना सा था शाहरुख खान से भी कम। मतलब जितना ट्रेलर्स में दिखाया उतना ही रोल है, है ना? मतलब इम्पैक्टफुल शाहरुख खान जितना नहीं, लेकिन उन्होंने शाहरुख खान को लेके ही नहीं आया वो मार्केटिंग में। मेरे को लगा ये मतलब ये दिस वाज अ वेरी गुड थिंग। नहीं अच्छा है, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है, लेकिन बस अब हाँ वो पूरा उनको काफी ऑडियंस मिल जाती भाई शाहरुख खान इतने टाइम बाद आ रहा है ये वो भाई। पर उन्होंने ना मतलब मेरे को एक चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल तो वानर अस्त्र ले लो, वानर अस्त्र को उन्होंने कैसे, अब एक वानर अस्त्र है आपके पास तो आप उसको फाइट कैसे यूज करोगे अलग। हाँ तो वो उन्होंने बहुत पार्कोर करके पूरा किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वही तो वो नहीं वो बस वो अस्त्र की पावर निकलती है वो मतलब यूजुअली चीजों को ग्रैब करके फेंक रहा था उसके ऊपर। सही है ना वो सिंबोलिज्म भी बहुत मस्त है भाई। वो लड़ ही नहीं रहा था ना शाहरुख खान, नहीं लड़ रहा था वो तो इवेड कर रहा था क्योंकि बंदर का यही होता है ना वो कहाँ लड़ता है। वो एक सीन में जब उसको उठा के फेंकते हैं लाल उसपे तो वो भी सिंबोलिज्म है। वो लाल मुंह का जो बंदर होता है वो लाल कलर में गिरता है ना जाके, ध्यान होगा तुमको, तो वो लाल मुंह का बंदर होता है। मैंने यही सोचा था, मैंने कहा यार लाल उसमें क्यों गिरा, तो फिर मेरे को आई रियलाइज्ड अच्छा लाल मुंह के बंदर भी होते हैं। उस सीक्वेंस को लेके मतलब एक मुझे ऐसा लग गया, मैंने मिस कर दिया होगा पता नहीं, जब वो फुल ऊपर निकल जाता है वानर अस्त्र लेके और पूरा मतलब हनुमान जी का आउटलाइन वगैरह बन जाता है, उसके बाद वो एक फ्लोर नीचे जाके गिरता है ना अपना वो ब्रह्मास्त्र लेने के लिए, लड़ते लड़ते वो लोग ऊपर गए रहते हैं और ऊपर से वो और ऊपर निकल जाता है और फिर वापस नीचे वाले फ्लोर पे आता है वो। तो आदमी क्या बोलता है शिट वी लॉस्ट हिम, मतलब ऐसा डायलॉग डाला था, लॉस्ट हिम अभी नीचे ही तो गया है वो, और फिर वहां पे वो बैठी रहती है उसको लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा ऐसा दिखा है कि थोड़ा सा गैप हो जाता है, थोड़े गैप के बाद आता है वो। हाँ, वो निकल जाता है वहां से। अच्छा वो देखो ऐसा मेरे को फील होता है ना, अगर ये ट्रिलॉजी परफेक्ट रही, मतलब परफेक्ट नहीं अच्छी भी रही, अब नहीं तो ये शाहरुख खान का देखने को, अरे रूमर्स आ रहे हैं 100%, अरे रूमर्स आ रहे हैं कि शाहरुख खान और नागार्जुन के ऊपर स्पिन-ऑफ्स वगैरह प्लान कर रहे हैं। बना दो भाई, चलेगा, बना दो, अपन देख लेंगे भाई। तो मतलब कि आप ये स्मार्टनेस देखो इस चीज की पूरी, कितने विजन देख रहे हो आपकी, मतलब वानर अस्त्र अलग पिक्चर, नंदी अस्त्र अलग पिक्चर, एनी अस्त्र दैट यू कैन थिंक ऑफ अलग पिक्चर। ठीक है, और क्योंकि मैं भी अलग ही स्टार वॉर्स चल रहा है, अलग इनका अलग चल रहा। जब नागार्जुन का कैरेक्टर मरा ना, मैं सोच रहा हूँ भाई ये शाहरुख खान को मरवा दिया, नागार्जुन को मरवा दिया, फिर आगे पता चलता है दीपिका ऑलरेडी मरी हुई है। अरे क्या बड़े बड़े एक्टर। अच्छा वो कंफर्म है दीपिका है वो, है ना? दीपिका वो चेहरा उसी का था, मतलब वो चेहरा उसी का, क्योंकि जब मैंने देखा था तो मेरे को भी ऐसा लगा था कि ये दीपिका। अच्छा हमारे यहाँ पे क्या चोट हुई कि हम लोग मूवी देखने गए, अभी बैठे थिएटर में देखने के लिए, मूवी स्टार्ट हुई तो क्या हुआ कि पहले अवतार का ट्रेलर आया, एक और ब्लैक पैंथर, तो अभी क्या हुआ कि जब वो आए तो थोड़े से ऐसे जूम्ड इन थे और 3D भी नहीं दिख रहा था चश्मे में,
तो मैंने कहा यार ट्रेलर गड़बड़ है यार, इन्होंने साला 3D भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं हो रहा है, वो साला मूवी का सर्टिफिकेट भी जूम्ड इन आया, जो मूवी का सर्टिफिकेट आता है ना, मैंने कहा फक चोट लग गई, मैं तुरंत उठ के भागा, मैंने कहा कि इन्होंने गलत वो लगा दी है, मतलब सही सेट नहीं है भाई वो पिक्चर की, मतलब करीब शाहरुख खान की स्टार्टिंग में जब वो उसको मारता है और कांच फोड़ के अंदर गिरता है ना वो पूरे कबर्ड के ऊपर से, वहां तक पिक्चर निकल गई थी पूरी, जूम इन होके और 3D नहीं था उसमें। फिर हमने फिर से मूवी चालू कराई सब लोगों ने, तो उन्होंने फिर से स्टार्ट करी लेकिन इंटरवल नहीं दिया। फिर ठीक है ना वे, तुम तो हाँ तो मस्त है ना, तो अब क्या हुआ अभी नहीं, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग उठ के निकल जाते हैं जैसे इंटरवल होता है ना, तो लोग चले गए, अब क्या वो मूवी वहीं से चालू हुई, और वो जब स्टार्ट होती है तो वो ऐसा लगता नहीं है कि आपको ऐसा लगता है एडवर्टाइजमेंट है शायद, आप ये सोचते नहीं हो कि वो मूवी है, क्योंकि वो दीपिका वाली सीक्वेंस है ना पूरी, वो बच्चे को खिला रही है और ये वो, तो आपको लगता है शायद एडवर्टाइजमेंट है मुकेश। मैं तो नहीं, मैं उठा ही नहीं ना, मेरे को देखना है पूरा, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पिक्चर होती है मैं नहीं नहीं उठना मेरे को भाई। सही है ना। अब जैसे ब्रह्मास्त्र को थोड़ा ऐसा पॉज करते हैं, तुम बोल रहे हो ये रील वगैरह चेंज करने का, तो मैं अपने शहर में जब जाता हूँ इतने कांड हुए भाई, ये मेरे को याद है 2019 में मैं एक मूवी देखने गया था, इमरान हाशमी की कोई तो आई थी ठीक है, और मैं अरे सुनो ना अभी अभी कांड बताऊंगा तब तुम करना, मैं टिकट लिया टाइम पे ठीक है, एक या दो मिनट लेट हुआ रहेगा, मैं अंदर गया थिएटर के, पिक्चर चालू हो चुकी थी, बोल रहा हूँ ठीक है भाई कोई नहीं लगा दिया होगा एकदम टाइम देख के उसने, और मैं पिक्चर देखे यार वो साला समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कुछ, सेकंड हाफ चालू मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, और वो कैरेक्टर मतलब इंट्रोडक्शन आपकी कोई चीज नहीं, डायरेक्ट बतियाए जा रहे हैं वो कैरेक्टर कहाँ से आ गया क्या हो गया, और फिर देख रहे फिर भी ठीक है 15-20 लोग देखे जा रहे आधा घंटा एक घंटा डेढ़ घंटा हो गया, क्रेडिट आने लगे, ओ भाई पिक्चर देख ली पूरी, तब रियलाइज भाई इसकी माँ की सेकंड हाफ देख लिया हमने पूरे पिक्चर का पूरा देखा पूरा, और फिर पैसे दिए वापस नहीं दिया उसने। हाँ। सेकंड हाफ हो गया फिर हम लोग बुलाए उसको कि क्या किया ये तू, सीधा क्लाइमेक्स दिखा दिया भाई शुरुआत कहाँ है इसकी, तो बोल रहा है गलती हो गई अब फिर से तो लगा नहीं सकते, तो बाजू में उरी का शो लगा हुआ है वो देख लो तुम जाके, उरी लगी हुई थी चुतिया हो क्या वीडियो में क्या बोलूंगा मैं, उरी ऑलरेडी दो बार देख ली थी, तो मैं नहीं मैं घर पे आ गया और मैंने उस वीडियो के अंदर बोला भी हुआ कि मेरे साथ ये कांड हुआ है, जितना मेरा रहेगा सेकंड हाफ एक घंटा डेढ़ घंटा पूरा देखा बैठ के हमने, गाने आ रहे क्लाइमैक्स चल रहा है क्रेडिट तो समझ में तो आ गया होगा बीच में यार ये पिक्चर किसको बोलूं, मतलब मैं खुद ऐसे थोड़ा फट्टू सा इंसान, थिएटर वाले को बोलना चाहिए ना जाके, ऊपर से यार ये भी सोचो ऊपर से इमरान हाशमी पिक्चर आ गया क्या कंप्लेंट, जब क्रेडिट सेकंड हाफ में तो वैसे भी उसमें एक्शन होता है, फर्स्ट हाफ में इंपॉर्टेंट चीजें होती है वही निकल गई होंगी, सेकंड हाफ में तो वो भी सब्सटेंस पिक्चर दिखाती, फर्स्ट हाफ में दिखाती जो भी होता है वही, हमारे यहाँ ऐसे बहुत बहुत लफड़े हुए हैं, ये तो एक एग्जांपल हो गया, एक और बार उसने ऐसा किया था मतलब मैं क्या बीच में से लगा दिया था, इस बार बोला मेरे को पता है बीच में से, अभी मैं जाके बोलेगा उसको तो ठीक स्टार्टिंग से लगा तो लगाया हो इतने यार कौन सा माल फूंक के काम करते हैं यार। बता एक बार ऐसे थे गाजीपुर की बात है ठीक है, मैं बुक माई शो से ही बुक करता था टिकट्स, उसमें बुक माई शो पे एक थिएटर दिखाता था, पता नहीं एक थिएटर कौन सा था अभी भी वही होगा, और मैं वहीं पे जाके देखता था, मतलब कुछ ऐसे खास नहीं, सिंगल स्क्रीन आ गए बस बैठ के देख लिए, पीछे मतलब अपना बंदा था वो बैठ के चलाता था बैटमैन नोट में, खाली रहती थी तो वो भी चलाता था ठीक है, पहली पिक्चर चलाई थी, तो फिर बाद में जब थॉर लव एंड थंडर देखने गया वहाँ पे, तो मेरे को ऐसे लोगों को बुलाना नहीं था, तो मैं सुबह बताया कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ठीक है, वहां पे थिएटर पहुंचने के बाद वेट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कमेंट्स में NY में क्यों नहीं देखते, NY जाओ, मैं कहते न्यूयॉर्क क्यों नहीं जा मेरे को ये बंदा यहाँ से गाजीपुर से ठीक है, तो फिर बाद में जब एक दो लौंडे आए तो बताया कि मैंने ही भेजा था, बोले NY एक और थिएटर भाई इससे अच्छा है तुमको पता ही नहीं, और बोला है कि वो पेटीएम पे आता है इसका कुछ है नहीं इसके साथ वो ठीक है, और बता रहे वो थिएटर इसलिए अच्छा है क्योंकि वो अजय देवगन का थिएटर है, अरे हाँ अजय देवगन ने भी चेंज चालू किया है थिएटर्स का NY, हाँ गाजीपुर, और फिर जब मैं गूगल पे देखा अरे सर सही में है, और मतलब टाइम हो चुका था वरना मैं चेंज कर देता ठीक है, वरना जाने में ही 10 मिनट लगते फिर चालू हो जाती पिक्चर आधी छूट जाती, तो वो भी मैं वो जब गूगल पे देखा तो सच में मतलब उसको सेलिब्रेट करते हुए कई सारी फोटोज उसके ऐसे मर्चेंडाइज वहां पे थिएटर में रखे हुए, अब तक जाना पड़ेगा वहां पे एक बार, फिर गए कि नहीं ब्रह्मास्त्र वहीं देखी क्या, नहीं 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 थॉर लव एंड थंडर का टाइम बता रहा हूँ,
जैसे कि हॉलीवुड पिक्चर तब जाता हूँ. अच्छा अच्छा, बाकी तो वही लग जाती है आजमगढ़ में. हाँ तो मैं क्या यार, चलो अब आएंगे ब्लैक एडम के टाइम पे एनवाई में देखने. बोलता है यार उधर का थिएटर भी सही है, पर्दा भी बड़ा इफेक्ट है यार. पर क्लियर बोलना चाहिए था ना, मैं बैठा रहा यहाँ पे. ये भी सही है, ठीक है. मतलब ब्रह्मास्त्र एक्सपीरियंस भी फोटो खिंचवाएगा अजय देवगन के साथ कटआउट पे. सही है ये भी. ऐसे गले में हाथ डाल के बोलो जो बाकी. कोई बात नहीं, अक्षय कुमार ने साथ छोड़ दिया तो क्या, हम है ना. तो भाई द पीजे पहले पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स. खैर ब्रह्मास्त्र पे वापस आते हैं तो वो मेरे ख्याल से दीपिका कंफर्म है. हाँ दीपिका कंफर्म. अभी दीपिका है तो रणवीर सिंह भी. इसको लेके एक और कांड क्या हो रहा है मालूम है क्या? मतलब मैंने कुछ पोस्ट देखा ऐसा कि लोग बोल रहे हैं कि मत लो रणवीर सिंह को, मत लो, क्योंकि ऐसा हुआ था पद्मावत के टाइम पे कि समझ रहे हो ना, पद्मावत पिक्चर है तो मेन लाइमलाइट जो है वो रणवीर. अच्छा लाइमलाइट. हाँ. शाहिद कपूर को एक तरीके से, और उसको लेके बहुत कांड होता है. मतलब ऐसा मैंने कहीं रीड किया था कि शाहिद कपूर और डायरेक्टर भंसाली के बीच में भी हो गया था. अच्छा. हाँ ऐसा मैंने रिपोर्ट्स रीड किया थे, एकदम कंफर्म नहीं है, तुम कंफर्म कर लेना. हाँ. वही कि मतलब शाहिद कपूर के कैरेक्टर को ऐसा थोड़ा साइडलाइन किया जा रहा है और उसके ऊपर ज्यादा ऐसे फोकस कर रहे हैं. और मतलब हुआ भी ना वो पिक्चर आने के बाद पद्मावत, तो पिक्चर तो वही वही सब लगती उसी की है मूवी. वही वो मेन कैरेक्टर है. लेकिन तो ऐसा मतलब लोगों को लग रहा है कि पार्ट टू में आएगा अगर रणवीर सिंह और दीपिका और ये लोग हो गए तो. कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई इतनी मेहनत, इतना जो साल टाइम दिया रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने, तो वेस्ट हो जाएगा. वेस्ट नहीं, बट उसका जो मेन फ्रूट जब ऐसा खाने का टाइम आएगा तो वो बेयर वो सारे रणवीर सिंह पे. पर मेरे को ऐसा लगता है इसका एक वो भी है, जैसे अगर आप इस पे एक आर्गुमेंट ये भी बनता है कि जैसे पार्ट टू देव है नाम उसका. हाँ, शिवा. हाँ, तो देव के ऊपर ही है वो. हाँ, चाहे कोई भी एक्टर उसको पोर्ट्रे करे वो फोकस उसी पे होना है. इसको लेके अब मैंने कहा रीड किया मालूम है क्या, कि इसके अंदर पार्ट टू के अंदर शायद रणबीर कपूर के कैरेक्टर का रोल बहुत छोटा हो सकता है. उसकी मेन कहानी वही होगी, वही चलेगी कि कैसे हुआ क्या हुआ, पार्ट एंड में प्रेजेंट आएगी और वही खत्म ये कनेक्ट हो जाएगा. और पार्ट थ्री में वही वो मोनी राय का कैरेक्टर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा कि कैसे आई चला. रिंका देख रहे हो तुम, रिंका चल रहा है. हाँ वो वाला भी फंडा नहीं समझ आता यार, वाइल्ड चीजें निकल सकती है. जैसे आलिया भट्ट के हाथ में रिंग है बहुत सारे सीन्स के अंदर. अच्छा हाँ वो अभी यार मैं क्या गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है भाई इधर. नहीं देव का, देव के हाथ में जो रिंग है वो नहीं अमृता. अच्छा, अमृता के हाथ में वो दो हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं तो उसमें से अमृता अमृता और आलिया भट्ट की एक ही रिंग है. या फिर ये हो सकता है कि एक एरर हो गया हो उनसे कि रणबीर कपूर आलिया भट्ट खड़े हो कि भाई दोनों हाथ पकड़ ले शॉट. हाँ मतलब ये ऐसा मेरे को भी लगता है, ये हो सकता है. या फिर इतना बड़ा कांड तो नहीं होने वाला भाई. इसके क्या कितने मतलब निकलते हुए है ना रिंग के, कि एक बार के लिए हॉलीवुड होता ना मैं मान लेता, एक बार के लिए एनिमे होता तो मैं मानता कि वो उसकी बेटी है यार. पर मतलब एक बार के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स होता तो मैं मान लेता कि भाई बहन है. अरे वही तो बोल रहा ना अमृता की बेटी है वाली. कितना बड़ा कांड हो जाएगा भाई यार. तुम बात कर ये फिर पक्का स्टार वॉर्स पे चल रहे वो लोग. नहीं पता है मेरे को ऐसा लगता है कि ये एरर है. वो इसके पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि देखो अगर उसको भी कुछ अल्टीरियर मोटिव देना होगा तो वो पूरा पर्पस डिफीट कर देता है उनकी लव स्टोरी का. अरे यार उसकी तो तुम बात ही मत करो. वो बोलता है कि मतलब ऐसा दिखाया कि वही है आलिया भट्ट ही है उसका, लेकिन आगे चल के अमिताभ बच्चन बोलता है कि आलिया भट्ट नहीं लव है तेरा स्विच लव. समझ रहे हो, तुमको प्यार चाहिए तो तुझे आलिया भट्ट स्पेसिफिकली वो नहीं ऐसा. तो मतलब अरे यार आलिया भट्ट बड़ा कैरेक्टर. नहीं यार पता है वो मतलब वो जस्टिफाई नहीं कर पाया जो लव एंगल था ना. वो जस्टिफाइड फील नहीं हुआ भाई कहीं से. मैं तुमसे एक बार क्या बोला था कि पिक्चर में से गाने हटा दो और फिर मेरे को बताओ कि कैसे तुम जस्टिफाई करोगे प्यार, होता ही नहीं सालों से. और अरे पता है एक सीन और भी है तो वो मतलब कितने क्लिशे चीजें हो गई कि वो अनाथ आले, मतलब वो देख के फिर और ज्यादा इंप्रेस हो गए कि हाँ भाई क्लिशे भाई किस जमाने की बात है. लिटरली 10 साल पहले कहानी लिखी गई भाई. ये एक्चुअली 10 साल भी नहीं है, तो पता है 5 साल पहले भी चले जाओगे ना तो भी उस हिसाब से है. 5 साल पहले की भी कहानी चलेगा, 5 साल पहले भी हो जाता था ये काम. और मेरे ख्याल से 5 साल पहले लिखी हुई होगी ये कहानी, क्योंकि 2018 में तो मूवी शूट होके कंप्लीट हो गई थी ना. चालू हुई थी
नहीं यार 2019 में तो आने वाली थी ना मूवी. अरे तो वो पहले अनाउंस किया था ना, तो इनिशियल प्लान वही था ना, 100-150 करोड़ मिले हैं, हाँ, बनके खत्म हो जाएगी. तो किस्ते किस्ते 18 में चालू हुई, इस साल शायद खत्म हुई थी, साल के स्टार्टिंग में. अच्छा अच्छा, तुमको क्या लगता है ये जैसे कि जो मठ वाला कॉन्सेप्ट था, हाँ, ब्रह्मास्त्र में, एक्चुअली में मेरे को उसको मठ जैसा फील कराना चाहिए था, मेरे को वो लगता है, क्योंकि वो बड़ा बड़ा बेसिक है. और उसके अंदर के ब्लैंड मठ मतलब कैसा कैसा, मतलब जो जैसे अपन देखें, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज देखे अपन ने, जैसे ट्रेनिंग एनवायरनमेंट होता है वो, भाई एक गुरुकुल है, आप टीचर. हाँ ये तो है ऐसा, मतलब थोड़ा सा कैजुअल क्लोथिंग और उसमें वो फील नहीं आता ना, वो फील नहीं आता भाई, मतलब पहाड़ों के बीच में लोगों से छुप के कर. एक बार के सिटी में होता ना, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का नहीं था, दरवाजा खोले डायरेक्ट सिटी में आ गए, तो वो समझ में आता कि आपको सिटी में तुरंत ट्रांजिशन करना. तुम गांव में, वो पहाड़ों में, ना टावर, सिग्नल भी नहीं है भाई उधर, सिग्नल भी नहीं है. तो वही है कि आदमी उस हिसाब से ना, पहाड़ों के हिसाब से क्लोथिंग नहीं है वहाँ. और ना एक चीज और भी मुझे, कॉस्ट्यूम डिजाइन बहुत मैटर करता है, कॉस्ट्यूम डिजाइन एक्चुअल में. वकांडा के क्या है, ब्लैक पैंथर में उसको अवार्ड मिला इसके लिए. एक चीज और भी मुझे फील हुई कि जैसे जो बाकी अस्त्र ओनर्स थे, जो अस्त्र के उस्ताद थे, उनके ऊपर उनका उनका रोल क्या था समझ में नहीं आया. वो तो मैं डिपल कपाड़िया जो है वो हेलीकॉप्टर उड़ा रही है बस, है ना, और बाकी जो लोग थे वो सब थे वहां पे, बट एज सून एज दे अंडरस्टूड कि मतलब वो लोग आने वाले हैं, तो वो सब चले गए. जबकि ब्रह्मास्त्र के जो तीन उसके जो टुकड़े हैं वो वहीं पर है, दो तो वहीं है ना आपके पास. वो तो मेरे को समझ में आ रहा है कि वो आगे की कहानी के लिए सेटअप किया जा रहा है, ठीक है, नहीं बताया, इंटेंशनली दिखा के छोड़ देना, कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ ही होगा जो ऐसा करेगा, ठीक है. अगर आपने इंटेंशनली कहानी नहीं लिखी है तो. नहीं नहीं, नहीं बोल तो रहे कि जैसे मेरे को लगता है ये चीज क्लाइमैक्स को थोड़ा सा ज्यादा वो करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि अगर क्लाइमैक्स में वो कम लोग रखना चाहते थे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा भीड़ पड़ेगी और उतना ज्यादा क्लियर हो जाता है ना यार, कि वो कैरेक्टर कहाँ पे, ये कहाँ पे, क्या चल रहा है. तो दे ओनली वांटेड स्पेसिफिक कि भाई हाँ ये पवन अस्त्र वाला है तो ये होना चाहिए, और उसके बाद ये वो धनुष बाण वाला है तो वो होना चाहिए. अरे वो भी नहीं देखे, वो भी बहुत बेकार सीन लगा, प्री क्लाइमेक्स वाला, मतलब कि वो मोनी राय देख लेती है उनको और इतनी आराम से पकड़ लेती है सबको. यार वो वाला सीन तो भाई, मतलब देखो मैं तो इसी चीज को सोचता हूँ कि मतलब जब भी कोई नॉर्मल मूवी में कोई कैरेक्टर ऐसी हरकत पटकता है कि मतलब उसने उठा के वो पहन लिया अपने गले में, तो आपको कितना गुस्सा आता है कि क्या क्या कर क्या रहा है तू. हाँ, है ना? भाई, बड़ा गुस्सा. लेकिन इस वाले सीन में मेरे को लगा कर कर, मेरे को देखना है कौन है ये, कौन है ये, देखना है मेरे को, तू कर, मैं देखना चाह रहा था. अबे सब काट दिया सामने यार, देखो जैसी किस्ती मेरे को गुस्सा है, मैंने कहा यार शिट. और अब जब यहाँ पे आए तो तुमको क्या लगता है कि एंड में देव का फेस रिवील करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मुझे ठीक ही है, नहीं, मुझे लगता है उन्होंने एक्टर को कास्ट नहीं किया. अच्छा. हाँ, अगर देखो मान लो अगर तुमने रणवीर सिंह को कास्ट किया है, तुम उसको पैसा दे रहे हो, मान लो तुम उसको 10 करोड़ रुपए दे रहे हो, 2 करोड़ 5 करोड़ जितना भी दे रहे हो, तो तुम उसका चेहरा क्यों नहीं दिखाओगे? तो वहाँ पे क्योंकि वो जो वो पूरा बॉडी वगैरह शॉट दिया था वो कोई तो किया होगा ना वहाँ पे. अच्छा, ऐसे नॉर्मल किसी को भी. हाँ हाँ, डबल किसी स्टंट डबल को ले लिया होगा जो प्रोबेबली एक जनरल फिजिकल बॉडी टाइप होता है. और क्योंकि देखो तुम अब इस पे तुम अपने आप को रख के देख लो कि तुम्हारी मूवी है, ठीक है, तुमने रणवीर सिंह को कास्ट किया हुआ है और तुम्हें मालूम है कि अगर तुम उसका फेस रिवील करते हो तो सेकंड पार्ट की जो हाइप है वो इनसेन होगी. ये तो है, और यही मतलब मेन उसका नेगेटिव पॉइंट है कि भाई तुमने इतना बड़ा हाइप क्रिएट करने का मोमेंट गवा दिया. वो चैप्टर 1 वाला हाल है ना केजीएफ का, रमिका सेन वाला. पर रमिका सेन वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ कैरेक्टर, तुमको इंटरेस्ट नहीं था कि ठीक है आओगी कोई. लेकिन मतलब तुम ये सोचो कि जब तुम पिक्चर खत्म करके थिएटर से निकलते हो तो उसके जो फाइनल मोमेंट्स होते हैं ना वो तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा फ्रेश होते हैं और वो फीलिंग लेके तुम निकलते हो, सही है ना. अगर वहां पे वो लोग लाइक एक्चुअल में फेस रिवील कर देते तो मतलब ऑडियंस जो और ऐसे थोड़ी ज्यादा एनर्जी के साथ निकलती कि हाँ अब अगले पार्ट में ये आ रहा है, ओ माय गॉड. मैं वही तो उन्होंने इसीलिए मैं बता रहा हूँ उन्होंने कास्ट नहीं किया. अब इसपे पब्लिक अगर मुझे काउंटर आर्ग्यूमेंट रखना हो, ठीक है, मतलब मेरे को ऐसे कुछ रीजंस लगते हैं कि कास्ट करने के बाद भी उन्होंने जानबूझ के उसको चेहरा रिवील करने का नहीं सोचा. रिवील नहीं किया. हाँ, मतलब हाँ. दो रीजन है कि पहला कि वो खुद भी श्योर नहीं थे रिलीज के टाइम पे कि अगला पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, सही है, अगर मूवी नहीं चलती
और तुम बड़े एक्टर को अनाउंस कर दियो और फिर नहीं बना रहे हो बाद में, तो वो एक रीजन हो गया। और दूसरा ये कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ले लो ना, तुम एक्टर का तुमने चेहरा दिखा दिया, फिर वो आगे चल के नखरे करने लगा कि नहीं मेरे को ऐसा रोल चाहिए, मेरे को ऐसा रोल चाहिए। अब हॉलीवुड तो नहीं है कि मेन पावर जो है वो स्टूडियो के हाथ में, यहाँ पे एक्टर्स का बोलबाला है। अभी करना चाहिए ठीक ना, अमृता और देव को चेंज कर दो, बन गया आईपी भाई, लोग जा रहे हैं देखने के लिए। तो ये एक रीजन लगता है कि उन्होंने चेहरा जानबूझ के रिवील नहीं किया शूट करने के बाद भी। दोनों को बदल दो, बदल नहीं, मैं तो फेवर में हूँ, पता है, बदल दो दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। कि क्या है ना, आप स्टार्स के जहाँ टैलेंट वही सेम। अब जैसे आज जैमी ने ट्वीट किया था महाभारत को लेके कि जो महाभारत बन रही है डिज्नी बना रहा है वो, तो उसमें तुम स्टार्स कास्ट करने का मत देखो। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स ने नहीं जानता तो कोई ऐसे एक्टर्स को, मतलब वर्ल्ड एक्टर्स को उठा के स्टार्स बनाया। वही तो आप टैलेंट, क्योंकि रणबीर कपूर है तुम्हारे पास ऑलरेडी, सही है। नहीं पर पता है, यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट रखूंगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको बड़े एक्टर को कास्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी छोटे एक्टर को कास्ट कर ले तो इतने बड़े रोल में वर्सेस बैटल, तो वो सही नहीं। महाभारत के साथ में क्या सीन है, महाभारत के कैरेक्टर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्लेश्ड आउट है, यू जस्ट नीड टू प्ले देम एज इट इज। लेकिन यहाँ पर तुम्हें देव के कैरेक्टर में जान डालनी है, जैसा तुम उसे बनाओगे वो वैसा बनेगा। तो अगर तुम इसमें रणवीर सिंह को नहीं लेके या किसी भी बड़े एक्टर को ना लेके कोई भी छोटा एक्टर लेते हो तो वो लोग नहीं जाएंगे, पीपल विल नॉट गो टू द थिएटर्स। क्यों जाऊं मैं, ये पॉइंट है। तो अब तुम एक चीज इससे देख लो, वानर अस्त्र को शाहरुख खान हटा करके कोई भी नॉर्मल एक्टर डाल दो, फिर उतना इम्पैक्ट खत्म है उसका, उतना नहीं होता, इम्पैक्ट खत्म है भाई। शाहरुख खान बात, हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ भाई, 100% दे रहा है सीन में। और भाई वाला सीन है ना, जब वो उसको, जब वो उसका माइंड रीड करती है, क्या पावरफुल सीन बनाया भाई, वो बेहतरीन। और उसको उनको कास्ट करके उनको, उनके कैरेक्टर को मरवा देना, ये भी एक अच्छा चॉइस था, क्योंकि स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि ये मोनी रॉय हल्के में लेने वाली नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्टर डायरेक्टर कोई भी रहेगा भाई इतने बड़े मरवा देता है। मैं लिखने के बाद भी दोबारा शाहरुख खान को मरवाना है, मार दू क्या यार, मार दू क्या, परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा यार, आगे कुछ नहीं हो पाएगा यार, चल गई पिक्चर तो क्या कर रहे। पर नहीं, मेरे को लगा कि मतलब ये चीज है, और स्मार्ट काम किया। अभी बस देखना इंटरेस्टिंग है कि भाई देव के कैरेक्टर के साथ क्या सीन होगा सेकंड पार्ट में। और मेरे को लगता है कि रणवीर, अगर कोई इसको, रणवीर सिंह ही है जो पुल ऑफ कर सकता है, क्योंकि उस पे हमें एक ट्रेडिशनल विलन नहीं चाहिए, वी वॉन्ट समथिंग वेरी डिफरेंट। जो फायर का कंसेप्ट उन्होंने दिखाया पिक्चर के अंदर, कि फायर लाइट का सोर्स भी है और वो जलाता भी है, डिस्ट्रक्शन का भी वही है, तो मतलब उस टाइप का कुछ कैरेक्टर बना दो तुम। वही ना, क्योंकि अगर देव पावर छीन रहा है तो वो मार के छीनेगा भाई। वो तो है ही, जो जितने देखो उसके पास और भी अस्त्र हैं, कि तुमको मैं बचा बचा रहा हूँ, बचा बचा के फिर छीन लूंगा, फिर तुमको छोड़ दूंगा, उसके बाद उसका बच्चा भी होने वाला है, लव स्टोरी है उसकी, सब चीजें हैं, तो कुछ तो समथिंग वेंट रॉन्ग। फिर आगे जलास्त्र भी छूट गया, पावर जलास्त्र, मतलब अपने को ऐसा बताया कि पावर उसको करप्ट कर देता है ना, वो इतना ज्यादा मतलब बेस्ट होता है अपने काम में कि अब उसको नेक्स्ट लेवल चाहिए, सीधा ब्रह्मास्त्र चाहिए। Anakin Skywalker, वही वही वही। पर मतलब और उसके पास और भी अस्त्र थे, अगर तुम देखोगे तो एक वो उसके फोरहेड वाला था जो वो टेलीपैथी के लिए यूज करती है, फिर एक वो चेस्ट में लगा हुआ उसके कवच वाला था, नहीं वो चेस्ट वाला तो उसका फायर का था ना, अग्नि अस्त्र ही था शायद। नहीं एक एक वो एक कोई कवच का भी था उसके पास, क्योंकि वो जब वो ट्रक में बैठते तो वो बोलती है ना कि कवच अस्त्र की शक्ति दो, तो वो कवच शील्ड कर लेता उनको, याद है वो, तो कहां से समन करती है? मतलब इनिशियली क्या कहते हैं वो अग्नि अस्त्र से ही एसोसिएट होता था देव, हाँ उसको था वो, लेकिन उसने फिर दूसरे भी एक्वायर, प्रोबेबली उसने और भी लोग मारे होंगे, और हो सकता है उसके पास और भी हों, क्योंकि जब जिंदा होता है तो उसके पास रहते हैं ना, कि मतलब पहला तो जैसे कि मजबूरी में मिल गया लेकिन फिर अच्छा लगने लगा, और चाहिए पता है, हो सकता है इसीलिए करप्ट हुआ वो, दूसरे अस्त्र एक से ज्यादा मिलते हो तो शायद आप करप्ट होते हो। वही ना कि एक जैसे कि कोई किसी एक्सीडेंट में या किसी वजह से मर गया, अब बोलते अब ये भी मेरी जिम्मेदारी है, क्यों ना कहीं साला मैं ही सब जिम्मेदारी रखूं, सबसे कुछ होता नहीं, सबसे कुछ होगा नहीं। लेकिन मतलब हाँ नहीं वो तो है। अब एक पॉइंट में बोला था कि पार्ट टू के अंदर तो दीपिका का रोल रहेगा, अगर पास्ट की स्टोरी दिखा रहे हैं वो लोग तो ऑब्वियसली हाँ। लेकिन इसके आगे चल के जल अस्त्र कौन बनेगी, आलिया भट्ट? इसके आगे आलिया भट्ट, क्योंकि वो अग्नि अस्त्र है ना, वही 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 यही लॉजिकल लग रहा है कि वही जलस्त्र बने। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं थर्ड पार्ट में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। अच्छा तुमको सिर्फ मेरे को सेकंड, मेरे को उसकी कहानी देख, देव की, क्योंकि मतलब उस कहानी थर्ड पार्ट से
इज एवेंजर्स ठीक है और तुम मतलब ऐसे सोचने हो गए तो फिर ट्रिलॉजी के अंदर कितनी मूवीज है जिनका सेट पार्ट टू जो है वो सबसे बेस्ट रहा है मतलब मूवी इंट्रोड्यूस करके मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन्स चेस्ट वो हो गया तुम डार्क नाइट ट्रिलॉजी ले लो उसका पार्ट टू बेस्ट है स्टार वॉर्स की ओरिजिनल ट्रिलॉजी ले लो उसका पार्ट बेस्ट है टर्मिनेटर का भी पार्ट टू जो है वो तो टर्मिनेटर टू सबसे ऐसे मैंने तो टर्मिनेटर टू ही पहले देखी मैंने भी टू ही पहले देखी मेरे ख्याल से सबने टू पहले देखी है नहीं मैंने पहले वन देखी फिर टू देखी पिक्चर झक मारती है उसके साथ जो पूरा वो ट्रक वगैरह चेस सीन है वो नीचे भाग रहे थे वो भाई वो क्या सीन था वो बाइक कुदा के जब लेके जाता है और वो दिल की धड़कने बढ़ा देता है फेस के साथ पता है स्ट्रेट फेस के साथ कोई दौड़ दे तुम्हारे साथ नहीं 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 तुम भाई तुम वो भागने लगे तुम उससे आगे भागोगे तुम वो भागेगा पहले पीछे देखोगे दो तीन बारी मेरी तरफ ही आ रहा है फिर भागोगे तुम हाँ भाई गजब तो और ब्रह्मास्त्र का और कुछ है या अभी आगे बढ़े नहीं मेरे ख्याल से अपने काफी इसकी फैन थ्योरी से लेकर हर चीज पे डिस्कशन कर लिया अब बाकी का डिस्कशन अगर सब कुछ सही चला तो you will know soon enough you will find out soon enough इसी पॉडकास्ट में इसी पॉडकास्ट पता चल भी गया होगा शायद who knows देखते हैं ठीक है पता नहीं कैसे चलेगा दो शोज की बात करनी अपने को मतलब मेरे को जो थोड़े बहुत टैग करके बोल रहे कि भाई तू भूल गया क्या उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग हाउस ऑफ द ड्रैगन हाउस ऑफ द ड्रैगन तो पीजे ने देखा ही नहीं है एक भी नहीं देखा तुमने इस हफ्ते का नहीं देखा नहीं मैंने हां तो पहले के बाद और क्या और दूसरा शो क्या पावर रिंग्स ऑफ पावर तो मैंने नहीं देखा दो एपिसोड तो देखे ना यार तो मैं बता रहा हूं बात नहीं करी उसके ऊपर उसी की बात नहीं करी नहीं एक महीना हो गया तुम हाउस ऑफ ड्रैगन चालू करो मैं मूड तो एपिसोड 3 की बात हम लोग कर लेते हैं ये आएगा तो फिर पहले दो एपिसोड की बतिया लेंगे एपिसोड 3 बस भाई एपिसोड 3 में तो मतलब ड्रैगन एपिसोड 3 नहीं था ना 4 था शायद 4 था 4 में तो कुछ भी नहीं था भाई मतलब उन्होंने तो बिल्कुल ही मस्त रूल नंबर 34 ही बना दिया पीजे का सब नंगा कर दिया भाई मतलब वो ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर किया कि सारे जो सीन्स है वो एक साथ आ गए जैसे किंग और क्वीन का हो गया या फिर प्रिंसेस का हो गया तो वही एक एपिसोड में एक दिखाने से सब एक साथ डाल दो घर वाले जो बच्चे बैठे होंगे ना कि आज तो टीवी पे लगाता हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन मम्मी आ गई तो क्या होगा हाउस ऑफ द ड्रैगन है आप थोड़ी ना कुछ दिखाएंगे ऐसा उल्टा करके टफ 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 जिंदगी खत्म उस चीज को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया ना वो मेरे को पसंद आया ठीक है ना कि यूजुअली गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर अपने वो सब कुछ दिखा दिया जाता है और इसके अंदर तुम देखोगे तो फिर जो चीजें लोग देखने में इंटरेस्टेड थे वो नहीं दिखाया क्लियरली हाँ मतलब उन लोगों ने एक्चुअली क्या किया कि जैसे थोड़ा सा छुपाया है हर चीज एकदम एकदम ही नंगा नहीं कर दिया उनको और सही तरीके से उसके अंदर अब जैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या नाम है रेनेरा या रेनेरिस है उसका नाम रेनेरा टारगेरियन और डेमन टारगेरियन के बीच में जो चलता रहता है तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत ऐसे क्या बोलते हैं कि एक तरीके से वो लोग कुछ खेल रहे हैं ऐसा कि पहले वो डोमिनेट कर रहा है फिर ये कर रही है ऐसा वो अच्छा लगा वो टच मेरे को पसंद आया इसके अंदर और क्या था अच्छा उसको छोड़कर और क्या था एपिसोड में वो हैंड वाला था थोड़ा सा अबे मतलब पर वो मेरे को लग रहा था कि अभी अब कुछ ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि इसके पापों का घड़ा कभी तो भरेगा लेकिन वो कैसे एकदम से उसको ऐसे होता है ना कि हाँ अब तू यहाँ पे आ गया अब ये लिमिट हो गई तेरी अब तू ही दोषी है और उसकी बेटी भी ऐसा घुमा फिरा के सच बोल रही है ठीक है ऐसा घुमा फिरा के अच्छा पीजे आ गया अब देखो बहुत ऑब्वियस हो गया कि अभी स्टोरी कहाँ जाएगी अभी तो बड़ा टाइम स्किप आना बाकी है अभी अब आएगा इस वाले एपिसोड के बाद पीजे ने तो एपिसोड 4 नहीं देखा बट 3 देखा मेरे ख्याल से रिंग्स ऑफ पावर पे बात कर लेते हैं इसका थोड़ा 3 का भी थोड़ा कर लेते हैं ना कि अब तक तुमको कैसा 3 का अपन ने किया तो था लाइव पे किया था शायद किया था अच्छा ठीक है चलो रिंग्स किया था क्या रिंग्स ऑफ पावर की बात कर लेते फिर हां नहीं किया था प्लॉट आर्मर की बात उत कर तो जब वो उसको तीर पड़ते ना तो रिंग्स ऑफ पावर के तो दो ही एपिसोड पे बात करेंगे अपन रिंग्स ऑफ पावर के जो एपिसोड नंबर 1 एंड 2 देखो बेसिकली मेरे को अच्छा लगा मतलब एक मूवी की तरह चलता है और दिस इज द ओनली रीजन मैं उसको बिंज वॉच करना चाहता हूं मैं भी वही बिंज की मतलब दो एपिसोड देखो फिर वेट करो बट अपन ने जो पहले दो एपिसोड वहां देखे थे ठीक है आईमैक्स में बैठ के एकदम ये बड़ी स्क्रीन के ऊपर तो उसका इनिशियल रिएक्शन मेरा ऐसा था कि मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन हैवी लग रहा है बहुत ज्यादा सही है ना कि बोलने का तरीका हो गया या फिर जो ये नाम वगैरह वो लोग सामने रखे जा रहे हैं मेरे को एक बेसिक सा आइडिया था उसके बारे में बट फिर भी वो नाम सुनने की आदत नहीं होती है ना
तो वही वो हैवी लग रहा था बट इंटरेस्टिंग था शो, और उसके जो प्रोडक्शन वैल्यू है पूरी भाई बहुत ज्यादा है भाई उसकी, बहुत ज्यादा है भाई, क्या VFX उसमें भरे हुए हैं, तुम देख रहे हो। फोन पे देखना अलग बात है, लैपटॉप पे अलग बात है, मॉनिटर टीवी पे अलग बात है, और IMAX में देखना भाई वो अलग ही हो जाता है भाई। यार बताए इस शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत क्रीमी टेक्सचर वाली है, तो भाई एब्सोल्यूट शार्प नहीं है, तो एक तरीके से मतलब वर्ल्ड के अंदर वो फेज भी वही चल रहा है ना उस टाइम के अंदर, कि उन्होंने बड़े दुश्मन को हरा दिया है और सबको लग रहा है कि अब पीस चल रहा है एकदम। यार अपन इवेंट में गए थे, गैलेडरियल आई थी ना भाई, सबसे सच धज के वही आई थी सबसे ज्यादा, जो सबसे सुनो कास्ट पूरी खड़ी हुई, कास्ट बैठ गई, वो उतने में खड़े होकर ड्रेसेस संभाल रही है कि हाँ भाई ये वो, देख वो अकेले खड़ी नहीं हो भाई, तीन लोग आए थे उसको खड़े करने के लिए, मालूम है तुम्हें, तीन लोग खड़े करने वही थी गैलेडरियल, यहाँ तो छलांगे मार मार के स्नो ट्रॉल गिरा रही है, वहां पे इस कुर्सी से खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो मोमेंट था भाई, मोमेंट था एलरॉन्ड बादल के पीछे नूरी खाना खा रही, पहचान में नहीं आया तुमको। बहुत देर तक हम सोचते थे यार कि यार वो कौन था, मेरे को समझ नहीं आया अभी भी, वो जो चीयर्स बोल के निकला था चीयर्स मेट, वो कौन था, वो समझ गया था कि अपन कैसे कुछ बात कर, तो इसीलिए हाँ इसीलिए बोल के निकला, उसको सोच रहा होगा यार ये मेरे को नहीं पहचान, अपन सोच रहे हैं कौन भाई, है कौन तू, तो जानता है हमको गैंडल्फ, हाँ भाई वो हो सकता, मैं वही सोच रहा हूँ, वो हो सकता था, मैं वही सोच रहा हूँ, वही सकता था। असल में क्या, एक तो साला उसकी पूरी दाढ़ी है और लंबे बाल है पूरे शो में, तो समझ नहीं आती उसके एक्चुअल फेस। नोरी नोरी को भी मतलब कि उसमें दिखाया खाई पी मतलब कि काफी अच्छा खासा, और इसमें बड़ी पतली बिल्कुल खत्म है भाई, बाल भी काले, हाँ एकदम तो पहचान ही नहीं पाते भाई कौन, भाई पीछे नोरी ब्रेकफास्ट करी थे ना, तो मेरे को ऐसा मुड़ के पूछ लेना चाहिए था कौन है वो, गैंडाल्फ ही है ना। अच्छा और साला ब्रेकफास्ट करने भी सब लोग एक साथ नहीं आए, वो बच्चे बच्चे सब एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो एलरॉन्ड अलग कोने में बैठ के अलग ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो कभी कभी सामने फिर तो अब जैसे उनकी उनकी स्टोरी भी अलग अलग जगह चल रही, तो साथ में शूट भी नहीं कर पाते, तो आपस में पहचान भी नहीं होती उनकी, वही वो कुछ शायद पहली बार प्रीमियर पे मिले होंगे या रीडिंग पे मिले होंगे बस, और रीडिंग पे भी क्या, रीडिंग में उनके सीन ही साथ में नहीं है। हाँ सोचो मतलब कि आगे चल के कि कहाँ पे कहाँ जाएंगे, और अपन बोलेंगे अपन बैठे थे वहाँ पे भाई, ये मैं मिला हूँ इससे दोस्तों को ऐसा बिठाने का, ये रिंग ऑफ पावर लिफ्ट पे था, दोस्तों को बिठाने का रिंग्स ऑफ पावर दिखाने वाले हैं, वो गैलेडरियल दिख रही है हमारे सामने ही, तो ड्रेस सवार रही थी ठीक है, यहाँ से होके निकली यहाँ से, फिर जो नोरी की एक दोस्त थी जब अपन नीचे दोबारा आए थे, तो वो वहां दिख रही थी, जा रहे थे तब, ठीक है जा रहे, तो भाई शो रनर से तो अपन कई बार मिल लिए, वो एक बार जाते हुए भी और बार बार वो जब सूट वगैरह एयरपोर्ट के समार रहा था पूरा, कहते पता गैंडाल्फ लिफ्ट में था भाई अपने साथ, अब पता नहीं है कि वही था कि नहीं था, नहीं मेरे को लिफ्ट वाले बंदे की शक्ल भी याद है, क्या करना चाहिए था जब लिफ्ट खुली ना, ऐसे रोक के बोलना चाहिए था यू शैल नॉट पास, तो अगर हंस देता तो हाँ भाई तू गैंडल्फ पे जा अब निकल जा, और मतलब मजा आया एक्सपीरियंस था ओवरऑल, मोहित की होटल चॉइसेस गजब भाई गजब। अरे तुमने अभी तक पैसा नहीं लिया है उसका? हाँ यार मैं भूल गया, अभी ले लेता, भेजता भी देखता हूँ ये भी, अभी मेरे को अभी क्लिक हो जब होटल के बात आई ना ऐसे कि वही पे पता है वही मुंबई में, हाँ कितना होगा वही ऐसे निकाल के गड्डी में से ऐसे ये तुम्हारा भाई। क्या एक्चुअल शो की बात करें थोड़ा बहुत कि क्या कैसा था? हाँ मतलब देखो सेट, अभी मेरे को ये लगता है कि आप दो एपिसोड में कितनी बात कर लोगे भी है आपको, क्योंकि वही ना यार ये पता है मूवी एक्सपीरियंस टाइप है आपको पूरा चाहिए। हाँ और मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसे आप फैन थ्योरी क्या बना लो कि भाई वो गैंडाल्फ है, अपन ने इसी पे बात कर ली वो गैंडाल्फ है कि नहीं है, पहले लग रहा था कि सौरन है सही है ना जब अब देखो ये भी समझ में नहीं आता कि शो रनर प्राइवेट में कुछ नहीं बताना चाहता तो भाई पब्लिक की बात ही छोड़ दीजिए भाई, अब सौरन है उसमें एक कोई तो है, कौन है ये तो नहीं मालूम है, रूप बदल के आया हुआ है कौन है नहीं पता, जबकि सीजन थ्री के एंड में ऐसा, एपिसोड थ्री के एंड में ऐसा समझ लो सबसे ज्यादा जो सैमसी कैरेक्टर है सैमसी गैलेडरियल नहीं भाई वो देवी है, गैलेडरियल देवी है, उस पे नो सिंपिंग ठीक। अरे शो खुद नहीं करना चाहता बे, जैसे वो एक शॉट था मेरे को याद आ गया कि वो पानी में डूब गई होती है ठीक है, और उसको कश्ती पे ऐसा उठाते हैं तो पहले ऐसा एंगल होता है पीछे वाला, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आती है वो कट करके सामने से ले लेता है, वही तो मैंने प्राइवेट में बात बोली थी भाई इतना पीजी। अरे तो नहीं भाई वो कैरेक्टर नहीं, तो वो नहीं उसको बिल्कुल वही दिखाना चाहते हैं ना वो, अरे तो बनाएंगे है ही वैसी भाई, फैंस कच्चा चबा जाते हैं अगर गैलेडरियल, फैंस वैसे ही कच्चा चबा रहे हैं। अच्छा
रुको मेरे को रूल 34 गलाद्रियल रूल 34 तुम अभी अभी कोई टोकिन वाला आएगा तुम्हारे घर पे टोकिन आ जाए भाई यार साथ में देखें भाई उसका लेकिन टोकिन का भी रूल 34 लगा अरे इससे मेरे को याद आया एकदम लिखने लिखाने से आज ही मैं देख रहा था आरआर मार्टिन किताब नहीं निकाल रहा भाई 2010 से लिख रहा है वो किताब मतलब तू भाई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन के क्या कर रहा है भाई तू किताब लिखना तो भाई पैसा आ रहा है ना उसको एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से चिल में वो भाई वो लगा हुआ है पता है हर बार हर कुछ उसमें एक बहाना मारता है उसके के गेम ऑफ थ्रोन्स बेसिकली किताबें जो है वो कैरेक्टर पर्सपेक्टिव से जैसे आर्या का है तो एक चैप्टर आर्या के ऊपर तो आर्या अपनी कहानी बता रही है ठीक है तो वो बताता है कि बोले इस मैंने सोचा था कि अभी इतने तक मैं अपना एक कैरेक्टर की कहानी एक चैप्टर खत्म कर लूंगा पर अभी तक अफसोस नहीं हो पाया भाई हम ये सुनने थोड़ी बैठे कि नहीं हो पाया तो मतलब पिछले 12 साल से लोगों को यही सुनाया जा रहा है कि नहीं हो पाया एक किताब नहीं लिख पाया वो 12 साल से भाई 12 अबे इतने में तो शायद जेके रोलिंग ने पूरी हैरी पॉटर खत्म कर दी थी क्या 12 साल में अबे हैरी पॉटर बना के पैसा कमा के बुद्ध सही में हां बुद्ध दिया सब कर दिया 8 पिक्चरें और क्या भाई 8 पिक्चरें उसके बाद 2 स्पिन ऑफ 3 तीन हो गए ना तीन स्पिन ऑफ और एक गेम उसमें पैसा कमाया पैसा चैरिटी में भी दे दिया और फिर और बुक राइटर से स्क्रीन राइटर भी बन गए करियर बना दिया और फिर उसके भी मार भी ली ना उसकी फिर अब मार्टिन साहब बोलते तो हैं कि अच्छा लिखने में टाइम लगता है भाई इतना 12 साल भाई पता है वो आदमी टाइम पास कर रहा है अब वो जैसे शो रनर वगैरह बन गया ना घुस गया ना शो के अंदर तब हो गया भाई नहीं पर वो बोलता है यार बोलता तो है वो कि मतलब मैं लिखूंगा मैं दूंगा इस साल अगले साल करता रहता हो गया भाई हो गया ये अपने हेनरी कैबल भाई अगर उसको खत्म करना होता ना सुनो तो लॉकडाउन में कर लेता हूँ लॉकडाउन में कोई यार लेकिन तुम एक चीज ये सोचो ना कि मतलब सामने वाले अपनी कहानी सुनाने का तुम्हें मौका नहीं मिला मैं पर्सनली हूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं होगी कि मैं जिस चीज को शुरू कर रहा हूँ मेरे पास उसे खत्म करने का इतने लेवल पे गर्म करके ठंडा ऐसा समझ रहे हो अरे वो अपने आप को ही ठंडा छोड़ रहा है भाई लोग तो ठीक है लोग तो चलो अपनी जिंदगियां काट लेंगे तुम ये सोचो कि तुमने मैंने बैठ के चीज सोची थी मेरे दिमाग में आइडिया था लेकिन मैं कभी लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाया क्योंकि कभी कभी अच्छी कहानियों की शुरुआत ना एंडिंग से होती है कभी तुम्हारे दिमाग में होता है लेकिन फिर उसे सेटअप क्या करना होगा वो आपको डिसाइड करना होगा आरआर मार्टिन तो भाई इसको मेरे ख्याल से आउटलाइन आइडिया होगा कि करना क्या है लेकिन कैसे करना है वो नहीं होगा क्योंकि आइडिया सबके दिमाग में होते नहीं तो कितने ईमेल्स आते हैं भाई देख मेरे पास एक सुपर हीरो की फैन स्टोरी है ये वो है आउटलाइन सबके पास है उसे सेटअप करने का नहीं पता ये पता है मेरे को लगता है लिखता होगा फाड़ता होगा यही करता होगा बकचोदी बैठा रहता होगा कि अभी क्या करूं फेंकना तो नहीं चाहिए जो लिख के मैंने गलती की अरे वो पता नहीं क्या करता होगा भाई जो भी है वो आदमी पर मेरे को इतना मालूम है 12 साल निकल गए कब खून खोलेगा रे तेरा ए पजल आरआर मार्टिन तुम्हारे किताब के नाम के शो पे शो रनर्स ने हक दिया भाई क्योंकि तुम टाइम पे फिनिश नहीं कर पाए हाँ फिर भी मैं तो होता ना मैं तो हगने के बाद जस्ट किताब रिलीज हाँ हाँ लगाता अरे ले 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 मेरी आई है पढ़ो ये ज्यादा या फिर ये हो सकता है कि भाई उसने भी वही लिखा हो फिर उसने सोचा यार अब बदलना पड़ेगा ओ भाई यार मेरा प्रेशर चढ़ गया होगा वही ना कि भाई यार नहीं लेकिन उसकी देखो उसकी एंडिंग भी चल जाती है अगर उसको उन्होंने अच्छा टाइम दिया होता ना तो जो शो की एंडिंग थी वो भी आराम से काम कर जाती उसके टाइम चाहिए तो गुड लोग इन्हीं सारी बातों के साथ ये एपिसोड अपन यही एंड करते हैं होप करते हैं कि आपको कुछ मज़ेदार एक्साइटिंग और नया देखने को मिलेगा और अगर देखने को मिला तो आप अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा हम सबको अबे मेंबर्स के नाम रुको बे मेंबर्स के नाम लेना है तब तक के लिए अपन मेंबर्स की तरफ जाते हैं क्योंकि मेंबर जरूरी है अमित तो जे सिंह ऐसा भाई नाम मैं गलत अगर बोल रहा हूँ तो माफ कर देना बट आपको शाउट आउट जस्ट उन्होंने लिए लेवल 5 के मेंबरशिप धन्यवाद मेंबर बनने के लिए मैं हकला क्यों रहा हूँ रोहन शर्मा आपको भी बहुत ही खूबसूरत सा शाउट आउट हमारे साथ बने रहने के लिए अतुल भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ मेंबर आपको एक बहुत ही बढ़िया सा शाउट आउट हमारी तरफ से ओके टाटा बाय